हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून एंड सबने राम राम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 का सॉल्यूशन 2013 का। तो इसमें मेजरली डायरेक्टली क्या क्या चीज़ें रहेंगी। पहला कि हाउ टू राइट द आंसर्स, सेकंड कैसे आपको फैक्ट्स एग्जाम्पल्स अपने आंसर्स में यूज करने हैं, थर्ड कैसे वर्ड लिमिट में आपको स्टे करना है, और किस तरीके से जैसे एचसीएल 2023 का मेंस भी आपका आने वाला है, तो जीएस पेपर 3 की ये सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट थीम्स आपके एचसीएल में पूछी जा सकती है, मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा। उसके अलावा हमारी इसी जीएस मेंस डिस्कशन सीरीज में पेपर 1 और 2 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। लिंक जो है वो प्लेलिस्ट का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर वीडियो के आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। सुनो, पेपर 3 की अपनी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। उसके अलावा टेस्ट नंबर 1 एचसीएल जीएस मेंस टेस्ट सीरीज का भी आपका आ चुका है, वो पब्लिकली अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग उसको देख सकते हैं। एचसीएल जीएस मेंस टेस्ट सीरीज में हमारे टोटल 8 टेस्ट हैं, 5 सेक्शनल एंड 3 आपके फुल लेंथ रहेंगे। सारे के सारे चेकिंग एंड द फीडबैक विल बी गिवन बाय मी। एंड ये हमारा शेड्यूल है 18 जून, 25 जून, 2, 9, 16 जुलाई, देन 3 आपके जो टेस्ट रहेंगे वो 22, 23, 24 जुलाई। बाकी आप जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। एच एस जी एस मीन्स 300 टॉपिक्स का भी एक बैच है जो कि आपको हेल्प कर सकता है अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारा का सारा होलिस्टिक कवरेज है, स्टैटिक प्लस 2.5 साल का करंट अफेयर रहेगा, डिटेल्ड लेक्चर है, नोट्स हैं, सारे क्लासेस आर टेकन बाय मी। आप डायरेक्टली मेंटरशिप में रहेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सो यू कैन कनेक्ट टू मी। ऑर्गेनाइज कंटेंट है, बैच का एक टेलीग्राम ग्रुप है और दैट्स इट। अगर वो कोई आपको डाउट रहता है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, लास्ट में नीचे की तरफ। और जो पब्लिक क्लासेस हैं यूट्यूब पे, जो क्लासेस मैं लेता हूँ उनकी पीडीएफ नोट्स जो हैं, जैसे मान लो अभी जीएस पेपर 2013 की अपनी क्लास है तो उसका आप प्रिंटआउट भी निकलवा सकते हैं, खुद के भी नोट्स आप बना सकते हैं। इनके जो डाउनलोड करने के लिए, पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे ये आपको मिल जाएंगी। अगला वीडियो जो इस सीरीज में रहेगा वो रहेगा यूपीएससी मेंस जीएस 3 का 2014 का कंप्लीट डिस्कशन। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए 2013 उस टाइम पे पहला ही ये मेंस इस टाइप का अपना शुरू हुआ था जिसमें ये क्वेश्चंस थे। ये तो पहले सारे के सारे क्वेश्चंस हमने एक जगह रख रखे हैं, देन हमारे क्वेश्चन एंड आंसर है। अब इसमें कुछ चीजें हो सकता है कि जैसे कुछ बिल्स वगैरह आपके आप पुराने हो तो उनको ज्यादा वो नहीं करना। अब मोर लेस, अब देखिए इसमें आपका साइंस एंड टेक, इकोनॉमी और इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, ये वाले टॉपिक्स अपने रहेंगे, ठीक है। और अब इस पेपर में जो मैं डिस्कशन करूंगा ये नहीं है कि ये आपको मॉडल आंसर्स मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आंसर में आपको कीवर्ड्स को देखते हुए जो एनालिसिस यूपीएससी मांगती है वो किस तरीके से अपने को एस्टैब्लिश करना है, लिंकेजेस कैसे करनी है, किस तरीके से फैक्ट्स और एग्जांपल्स आपको यूज करना है, ओवर डन कुछ भी नहीं करना है किसी भी चीज का। तो ये सारा का सारा इसीलिए डिस्कशन है। दीज आर नॉट द लाइक कि आप कॉपी पेस्ट इनको कर ले, हाँ, बट ये आपकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग के लिए ज्यादा है, आपको अंडरस्टैंड हो कि वट इज यूपीएससी इज आस्किंग एंड हाउ टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ताकि आप फिर ये ना रहे टॉपिक्स अगर आपने ढंग से प्रिपेयर कर लिए हैं तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ अब इस तरीके से जो कंटेंट हमारे पास है उसको आंसर कैसे करना है। तो ये हमारा मेन मोटिव है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से नाउ वी आर स्टार्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विद द कंसिडरेशन टुवर्ड्स द स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, नया एक कंपनीज बिल आया था 2013 में, हैज इनडायरेक्टली मेड सी एस आर मैंडेटरी ऑब्लिगेशन, डिस्कस द चैलेंजेस एक्सपेक्टेड इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन द राइट अर्नेस्ट, ऑल्सो डिस्कस द प्रोविजन इन द बिल एंड देयर इम्प्लीकेशन। अब देखो बिल तो 10 साल पुराना है तो उसके प्रोविजन वगैरह अब यहाँ पे मैंशन कर रखे, बट वो रेलिवेंट नहीं है। पॉइंट क्या है कि पिछले 1.5-2 साल में कोई भी इंपॉर्टेंट बिल अगर आपका आया है, वैसे तो यूपीएससी 4-5 साल पुरानी चीजें भी कई बार पूछ लेती है, बट वो 1-2 क्वेश्चन में ही आपका रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमेशा ज्यादातर जगह आपका क्या आता है, चैलेंजेस आपसे पूछेंगे, हाउ टू एड्रेस दोज चैलेंजेस। तो हमारा चैलेंजेस और सॉल्यूशन ओरिएंटेड ही एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा आपके क्वेश्चंस रहेंगे, तो यही अपने को फोकस करना है। अब आप खुद से भी सोच सकते हैं कि सीएसआर है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें चैलेंजेस जो है वो सरकार की तरफ से भी रह सकते हैं, कॉरपोरेट की तरफ से भी रह सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के भी रह सकते हैं, ठीक है, मॉनिटरिंग के भी रह सकते हैं, एंश्योर कैसे करना है, कई बार मिसयूज भी अपनी पावर का
गवर्नमेंट ऑफिशियल करते हैं तो उसके कंटेक्स में भी आपका रह सकता है, या फिर सीएसआर के कंटेक्स में ज्यादातर जो बातें करी जाती हैं कि एक तो सेक्टर स्पेसिफिक जो डिस्पैरिटी होती है कि कुछ ही सेक्टर्स में ज्यादातर जो आपका फंड्स है वो यूज करे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब उसका डाइवर्सिफिकेशन उतना नहीं है, एंड ऑल्सो एक रीजन बेस्ड जो डिस्पैरिटी है उसके बारे में भी काफी बात करी जाती है कि कुछ ही रीजंस में आपका ज्यादा यूज होता है। तो मतलब जैसे मान लो सदर्न स्टेट्स हैं वो कुछ ज्यादा इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, बट नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं या फिर हमारे पुअर स्टेट्स हैं उनमें सीएसआर उतना यूजफुल नहीं हो पा रहा है। तो ये दो चीजें मेजरली अपना रहेंगी, बाकी एक बार इसको अपन देख लेते हैं, आपको चैलेंजेस और उसी के कंटेक्स में बात करना है, सॉल्यूशन लास्ट में आप सॉल्यूशन रखेंगे, इंट्रोडक्शन अपना रहना है, कीवर्ड्स आपको फोकस करना है और जो पूछा है उसी को डायरेक्टली एड्रेस करना है। अब आप इसमें बता सकते हैं कि ये जो बिल है ये रिप्लेस कर रहा था एक हाफ सेंचुरी ओल्ड कंपनीज एक्ट को, तो सीएसआर प्रोविजंस के बारे में थोड़ा सा बता दो कि यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है फॉर द कंपनीज, एक अबव थ्रेशोल्ड ये हर बार सेट करते हैं, उसके बारे में आपको नहीं बताना, दैट इज अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, हो सकता है प्री में वैसी इन्फॉर्मेशन कभी कभी पूछ ली जाए, टू स्पेंड 2% ऑफ देयर एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर ऑन सीएसआर एक्टिविटीज। देखो इसके पीछे मेजर जो माइंडसेट है वो ये है कि जो कंपनीज है उनको भी कुछ सोशल रिफॉर्म्स और उन सब में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उनको जैसे हेल्थ एजुकेशन स्किलिंग इन सारी की सारी चीजों में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट को मोस्टली हम प्रॉफिट से लिंक करके देखते हैं, बट जैसे टाटा ग्रुप्स हैं या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत सारी सीएसआर एक्टिविटीज करती हैं, हॉस्पिटल हैं, टीएसआईआर है, ठीक है, मेमोरियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं टाटा के, तो वो सोशली भी काफी अपलिफ्टमेंट में काम करती हैं। इससे क्या है कि एक बैलेंस बना रहता है, जो ट्रस्ट है कॉर्पोरेट सेक्टर को कई बार काफी नेगेटिवली देखा जाता है, बट द पॉइंट इज कॉर्पोरेट सेक्टर भी आपका इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो ये सारी की सारी चीजें अपने को समझनी है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस, देखिए पहला तो जैसे जो लोकल पॉलिटिशियंस वगैरह हैं वो कंपनीज को कई बार आर्म ट्विस्टिंग करते हैं कि आप यहीं पे खर्च करो, इसी में ही खर्च करो, वो एक गलत चीज हो जाती है। सेकेंड जैसे यहाँ पे एक वो भी था कि कोई पेनल्टी वगैरह अभी भी आई थिंक कोई पेनल्टी वगैरह तो है नहीं, एक ओवरसाइट कमेटी वगैरह होती है वो जो देखती है, बट अगर आपकी नॉन कंप्लायंस है तो आप दोबारा से मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको सबमिट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मान लो आपने सबमिट नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा, ठीक है, ये भी है। ऑल्सो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है कि कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट को फंड जो है वो डोनेट करती है, जैसे पीएम रिलीफ फंड, ठीक है, तो अवॉइड कंप्लायंस कॉस्ट कि भाई उनको यहाँ पे डोनेट ना करना पड़े। इसका फायदा क्या हो जाता है कंपनीज को, क्या फायदा हो जाता है कि गवर्नमेंट की गुड टर्म्स में वो आ जाती हैं, गवर्नमेंट या फिर पार्टीज को वहां से फंड मिल जाता है, तो उन्हें ये नहीं लगता है कि यहाँ पे खर्च करने की आवश्यकता है, तो दे जस्ट इग्नोर देम, तो करप्शन एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे हो जाता है। और क्या प्रोविजन है, जैसे कि ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग रिलेटेड जो प्रोविजन है कि भाई कैसे उसको ऑडिट करना है अकाउंट को, तो यहाँ पे कैग का भी रोल एक आ सकता है, ठीक है, या फिर कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल आप इसके लिए अपॉइंट कर सकते हैं, तो वैसा किया जा सकता है। फिर जैसे स्मॉल कंपनीज हैं, ठीक है, या फिर माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं, तो स्मॉल कंपनीज में भी किस तरीके से इस प्रोविजन को लाया जा सकता है, मे बी वहां पे भी हम उनके कुछ परसेंटेज को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में डालें जिससे कि उनका भी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में इंक्रीज हो, ठीक है, या फिर जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स वगैरह हैं एक्चुअली इनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना कंपनीज एक्ट में बात करी जाती है, तो वो कंपनीज एक्ट बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जनरली देखता है, तो उसमें ये सारे के सारे इश्यूज आपके आ जाते हैं, ठीक है, अभी ये पुराना हो गया तो अपने को ज्यादा कुछ नहीं देखना। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या थे कि इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे कि डिस्क्लोजर्स वगैरह अपने इंप्रूव होंगे कि भाई कहाँ पे खर्च किया, कैसे खर्च किया, कितना आपका प्रॉफिट है, तो उससे गवर्नेंस डेफिनेटली आपकी इंप्रूव होती है, ठीक है, उनको मॉनिटर करना इजी हो जाता है, इससे जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वो भी एनकरेज ज्यादा से ज्यादा आपकी हो रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे जैसे माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स के हमेशा जो कंपनीज एक्ट है वो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स स्मॉल कंपनीज इनके इंटरेस्ट को अपलिफ्ट करने की ही ज्यादातर बात करता है। तो ये तो ऊपर वाला पॉइंट हो ही गया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एंड जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी जैसे कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ द डायरेक्टर्स, तो ये सब छोड़ो अभी कुछ ज्यादा उतना है नहीं, ठीक है, बट रिसेंटली कोई भी अगर चेंजेस होंगे तो उनके हिसाब से आपको ज्यादातर देखना है। पहले क्या होता था बिल्स वगैरह थोड़े से 13-14 में आपको दिखेंगे ज्यादा हैं, बट उसके बाद एक दो बिल्स तो आते रहते हैं बट उतने नहीं आते, मतलब हाँ पर एक दो तो आते ही रहते हैं, जैसे रिसेंटली भी जो हमारा डाटा प्रोटेक्शन बिल है वो भी पूछा गया था, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ
फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये आपने काफी कुछ पढ़ा भी होगा, इकोनॉमिकल बेसिक्स स्टैटिक में भी अपन देखते हैं, प्रिम में भी देखते हैं। तो फिस्कल नाम से ही क्लियर है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट को मैनेजमेंट के लिए किया गया था कि सरकार अननेसेसरली इधर उधर ज्यादा कुछ ना करे, फिस्कल डेफिसिट है जो उसको मैनेज करे, रेवेन्यू डेफिसिट है उसको मैनेज करे। बट यहाँ पे कुछ एग्जम्पशंस रखे थे और स्पेशली कोरोना काल में तो और ज्यादा हो गए हैं। अभी के हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने जो टारगेट्स हैं 2024 2025 तक के क्या रखे हैं, कितना अचीव हो गया है, एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस। जैसे कि कोई भी पेंडेमिक आ गई, कोई भी सीवियर सिचुएशन आ गई इकोनॉमी, जैसे ग्लोबल इकोनॉमीज के जो इम्पैक्ट हो रहे हैं रिसेशन और इन सब के, तो उसमें थोड़े से रिलैक्सेशन अपने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ज्यादा कुछ अपन देखेंगे नहीं। देखो पहला तो रीजन जो है मोटा मोटा अपन जो है जो रेलेवेंट चीज है उसको अपन एक बार देख लेते हैं इस आंसर में जो है अपने पास। जैसे रीजन जो है एफआरबीएम के, पहला तो यही है फिस्कल डेफिसिट, कि भाई सरकार जो है उसकी फिस्कल डेफिसिट काफी हाई रहती थी, इनकम और एक्सपेंडिचर का बैलेंस काफी गड़बड़ाया रहता था, एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम कम है, तो उससे सरकार की भी इमेज जो है वो गड़बड़ हो जाती थी। ठीक है, तो बाहर से जैसे पैसा वगैरह आना है, कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो उसमें थोड़ा सा इशू रहता था, तो सरकार ने सोचा कि उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो ये अलग तरीके से देखते थे, आजकल क्या है कि डेट इज टू जीडीपी इज मोर मतलब प्रेफर्ड इंडिकेटर, कि 60% के आसपास उसमें ये रखते हैं कि 60% से आपका कम रहना चाहिए, 40% फॉर द सेंटर 20% फॉर द स्टेट्स, ऐसा कुछ रहता है। ऐसे ही जैसे पब्लिक सेविंग्स जो है वो उस टाइम पे नेगेटिव में चल रही थी, अभी भी कम ही है। ठीक है, मतलब उसकी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव चल रही थी, रेवेन्यू डेफिसिट भी आपकी हाई थी। ठीक है, तो ये अपने मेजर इश्यूज चल रहे थे कि सेविंग नहीं हो रही, फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट हाई है, तो उसमें एफआरबीएम एक्ट आपका एनेक्ट किया गया बेसिकली फाइनेंसेस को सस्टेनेबल करने के लिए, कि भी जो हमारे पास इनकम जनरेट हो रही है उसको हम ढंग के तरीके से यूज कर सकें, या फिर जहां पे लीकेजेस हो रही हैं, सब्सिडीज आप प्रोवाइड करा रहे हो उसको कैसे रैशनलाइज करना है वो भी अपने को देखना है, क्योंकि अगर हाई फिस्कल डेफिसिट है तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अनसस्टेनेबल रहेगा। जैसे कि यूरोजोन, ठीक है, ग्रीस क्राइसिस उस टाइम पे हुआ था, तो वो सारे के सारे थे, तो वैसा क्राइसिस ना आ जाए, या फिर अभी रिसेंटली अगर अपन देखें इकोनॉमिकल क्राइसिस इन श्रीलंका जो हुआ है, ठीक है, उस पे तो एचसीएस में भी आपका क्वेश्चन आया ही था लास्ट ईयर, तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आसपास भी जो चलते रहते हैं वो भी आपको देखना है। और ओवरऑल देखो अब इसको लिंक करना आपको आना चाहिए, मान लो हाई फिस्कल डेफिसिट है, हाई रेवेन्यू डेफिसिट है, सरकार गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है, तो उससे इकोनॉमी आपकी गड़बड़ा जाती है, इकोनॉमी गड़बड़ा की मतलब ग्रोथ नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। ठीक है, उससे पब्लिक का ट्रस्ट भी आपका डिक्लाइन हो जाएगा, तो डेमोक्रेटिक जो जैसे इलेक्शंस हैं या ये सब है तो उस पे भी एक क्वेश्चन मार्क आपका आ जाता है, सरकार प्रोटेस्ट आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, या फिर जो ग्लोबल लेवल पे हमारी इमेज है उस पे भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, लोग आपको सुनेंगे नहीं। इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, इकोनॉमी अच्छी है तो आप मिलिट्री में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं है तो इनमें भी हमारे बहुत सारे इम्प्लीकेशन होंगे। बट एज नाउ वी कैन सी इंडियन इकोनॉमी हैज क्रॉस 3.3 ट्रिलियन ऑल्सो, और हम एफआरबीएम में भी काफी कुछ मैनेज करने की कोशिश भी कर रहे हैं सही तरीके से, तो वो भी अपना रहेगा। नाउ जैसे कि सेलिएंट फीचर और इफेक्टिवनेस क्या है, जैसे ये पुराना है कि अब जैसे मान लो गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड्स वगैरह अभी इसमें अपन नहीं देखेंगे। ठीक है, कि जैसे फिस्कल डेफिसिट की बैलेंस शीट को कई बार जैसे मान लो डेफिसिट है उसको ऑयल बॉन्ड वगैरह इशू करके वो कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं उस डेफिसिट को बॉन्ड में कन्वर्ट करके। ठीक है, जैसे पेनल्टीज वगैरह नहीं लगा रखी, कि अगर मान लो सरकार एफआरबीएम, ये तो अभी भी नहीं है, एफआरबीएम एक्ट को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रही तो क्या पेनल्टीज रहेंगे। ये फैक्ट जो है ये पुराने हैं, इनको अभी अपन रहने देते हैं। ठीक है, इसको अभी रहने। बट हाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस तरीके से कि भाई ओवरऑल आपको एनालिसिस पता होना चाहिए, और रीसेंट वाले जो है उनको थोड़ा सा एक बार देख लेना, क्योंकि हमने तो उसके हिसाब से तैयार किया था, तो अभी के डिस्कशन में उसको तो मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा, बट जो करंट अफेयर की अपनी क्लासेस वगैरह रहेंगी या जो आंसर राइटिंग सीरीज रहेगी, ठीक है, तो उसमें अपन देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स एक्सपेंडिचर, टेकिंग हाउसिंग सेक्टर एज एन एग्जाम्पल, डिस्कस हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो नाम ये एक स्टैटिक इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपसे कोई पर्टिकुलर चीज पूछ ली, ठीक है, उसके बारे में आप बताओ, तो हाउसिंग सेक्टर को बताते हुए आपको बताना है कि कैसे बजटरी पॉलिसीज जो है वो इसको इन्फ्लुएंस करेंगी।
तो इसमें पहले तो आप यही बताएंगे जो पूछा है कि टैक्स एक्सपेंडिचर क्या है, कि जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस हम करते हैं, ठीक है, जैसे कैग है, कैग आपका नेट टैक्स प्रोसीड्स के बारे में आपको बताता है कि टैक्स कितना कलेक्ट हुआ और कलेक्ट करने में कितना पैसा लगा, वही तो हमारा नेट टैक्स रहेगा। मान लो आपने 100 करोड़ कलेक्ट करे, बट 100 करोड़ कलेक्ट करने में आपके 80 करोड़ खर्च हो गए, तो इफेक्टिव तो कितना मिला, 20 करोड़ ही मिला। तो हमें ये 80 करोड़ जो है उसको 10 करोड़ पे करना है ताकि हम 90% इफेक्टिव कलेक्शन कर सकें, ठीक है। सो इट इज बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टैक्सिंग एट कंसेशनल रेट, ठीक है। कई बार हम जैसे मान लो 20% आपने टैक्स रेट होना चाहिए था, वहां पे 15% कर दिया, कंसेशन दिया, तो 5% यहाँ पे लूज हो गया। और इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गिविंग, जैसे एग्जम्पशंस वगैरह दी जाती हैं कई बार टैक्सेस में, कि भाई 5 साल के लिए, 10 साल के लिए स्टार्टअप्स को दी जाती हैं, रीजन बेस्ड दी जाती हैं, कुछ डिडक्शंस दिए जाते हैं, रिबेट्स दिए जाते हैं, ठीक है। और डेफरल क्रेडिट्स, क्रेडिट्स वगैरह थोड़े दिन के लिए, जैसे मान लो लोन वगैरह अगर आपको चुकाना है तो उसमें थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है, टू द टैक्स पेयर। तो उसकी वजह से हमें जो खर्चा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन भी आपका रहेगा। आज मान लो आप 70 करोड़ कलेक्ट करते तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली ज्यादा होती है, और अगर यही 70 करोड़ आपने कंसेशन देके 5 साल बाद कलेक्ट करे तो मान लो 6% जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है, तो उससे इसकी 70 करोड़ की वैल्यू तो आपकी डेफिनेटली डिक्रीज हो चुकी होगी। मान लो वो 50 करोड़ ही रहेगी या 55 करोड़ ही रहेगी, ठीक है, तो आपको इफेक्टिवली मिलेंगे 70, मतलब देखने में, बट वो इफेक्टिवली 55 करोड़ रहेंगे, तो ये नुकसान हमारा हो जाता है। तो यही है, तो टैक्स एक्सपेंडिचर जो है वो इंडिकेट करता है कि कितना, हाउ मच मोर रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इफ नॉट फॉर सच मेजर्स। मान लो ये सारे के सारे कंसेशन डिडक्शन और ये सब नहीं दिए जाते तो कितना अपन बेनिफिट और ज्यादा हो सकता था, वो भी अपन रखते ही है, ठीक है। पार्लियामेंट में इसकी रिपोर्ट रखी जाती है, 2006-07 से आपका रख ही रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो टैक्स एक्सपेंडिचर में हाउसिंग सेक्टर के कंटेक्स में इन्होंने पूछा था कि क्या बजटरी पॉलिसीज वगैरह रही, ये पुराना है अगेन, तो रिसेंट बजट एंड इकोनॉमिकल सर्वे में, अब तो काफी चीजें जो नई आ रही हैं आपको उन पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो उस टाइम पे जैसे जो अलग अलग पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की, तो उसे नंबर ऑफ पर्सन हु ओन द हाउसेस वो इंक्रीज हो रहे थे, जैसे कई बार अफोर्डेबल हाउसेज में भी सरकार अपना काम कर रही थी, ठीक है, लोन वगैरह में भी आपके रिलैक्सेशन दिए जा रहे थे, तो ज्यादातर लोग जो है वो पैसा लेके अपने घर भी बना रहे थे, तो पीपल कैन अफोर्ड टू स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उनको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता था, तो ये एक ल्यूक्रेटिव आपका वो हो जाता था कि अच्छा यहाँ पे मैं, मेरे को लोन भी इजिली मिल रहा है और मेरा इनकम टैक्स भी बच रहा है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरे पास एक प्रॉपर्टी भी क्रिएट हो रही है, तो लोग फिर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, ऐसा देखने को मिल रहा था। तो ये जो एग्जम्पशन हैं जो अलाउ करे गए थे फॉर डिडक्शन ऑफ HRA, जो होम अलाउंसेस वगैरह आपके होते हैं उसमें, तो इनकम टैक्स एंड वेरियस अदर टैक्स डिडक्शन एग्जम्पशन, ठीक है, और जैसे मेडिकल प्रीमियम भी आपका दिया जाता था। मेडिकल प्रीमियम बेसिकली क्या होता है कि जैसे इंश्योरेंस के कंटेक्स में जो छूट वगैरह सरकार की तरफ से दी जाती है या सरकार आपकी तरफ से पे करती है, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के कंटेक्स में, तो इन्होंने अलाउ किया था फॉर इंटरेस्ट पेमेंट, प्रिंसिपल रीपेमेंट फॉर हाउसिंग लोन्स, यानी सरकार इनडायरेक्टली आपका सपोर्ट कर रही थी। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम होती है 7% की जगह 4%, तो उस हिसाब से अपना चलता है, ठीक है, या फिर आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि भाई अगर नहीं पे कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा उसको एक्सटेंड भी कर दिया गया, ठीक है, तो ये रहेगा। जैसे फसल बीमा योजना में भी सरकार पे करती है, तो उस तरीके से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फूड सिक्योरिटी बिल, अब ये भी पुराना है, ठीक है, 2013 में आई थिंक आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो इसका ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अब देखो, इज एक्सपेक्टेड टू एलिमिनेट हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया, क्रिटिकली डिस्कस वेरियस एप्रिहेंशन इन इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अलॉन्ग विद द कंसर्न इट हैज जनरेटेड इन WTO, यानी दो तीन चीजें आपसे पूछी है। एक तो आपको इसके प्रोविजंस पता होना चाहिए, ठीक है, वो प्रोविजंस आपको लिंक करने हैं कि कैसे हंगर और मैल न्यूट्रिशन को आपका सोल्व करेंगे। जैसे इंडिया में जैसे पॉवर्टी इज अ मेजर प्रॉब्लम, उसकी वजह से हमारा जो ज्यादातर सिटीजन्स हैं उनको खाने को ढंग से नहीं मिल पाता है, ठीक है, हंगर का भी एक इश्यू है, हिडन हंगर का भी एक इश्यू है, मैल न्यूट्रिशन का एक इश्यू है, ठीक है, पहले तो आपको खाने को नहीं मिल पाता, इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो ये सारे के सारे चीजों से मैल न्यूट्रिशन इंक्रीज हो रहा है। ऑल्सो मैल न्यूट्रिशन में हमारा देखो, एक तो डिक्रीज न्यूट्रिशन भी रहेगा और मैल न्यूट्रिशन में आपका ओबिसिटी और ओवरवेट भी आ जाता है, तो हमें बताना है कि इसके कौन से प्रोविजन जैसे रूरल एरिया अर्बन एरिया में एड्रेस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, क्योंकि
वो आपको फूड को अवेलेबल कराएंगे, अफोर्डेबल कॉस्ट में कराएंगे, एक्सेसिबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, खाना मिलेगा तो खाओगे, खाओगे तो न्यूट्रिशन इंप्रूव होगा, हेल्थ इंप्रूव होगी, हेल्थ इंप्रूव होगी तो काम करोगे, काम करोगे तो इकोनॉमी में आप कंट्रीब्यूट करोगे, यही सारा रहेगा। और फिर अब आपको बताना है कि ये तो कैसे कर सकते हैं, तो वेरियस एप्रीहेंशन इसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन में क्या है। अगेन अब देखो इंप्लीमेंटेशन में आप इसी हिसाब से देखोगे, जैसे पीडीएस के कंटेक्स में आप देख सकते हैं, लीकेजेस के कंटेक्स में हम देख सकते हैं, करप्शन के कंटेक्स में हम देख सकते हैं, या फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स जो होती हैं, जिसको फूड मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा, ठीक है, या फिर कुछ लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा है, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स भी रहेंगे, ठीक है। तो इनको कैसे सोल्व किया जा सकता है, फिर हम और भी बात कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ फूड आप प्रोवाइड करा रहे हैं वो कैसा है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली लिंक टू योर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग का फ्रेमवर्क रहेगा, ठीक है। बाकी जैसे WTO के कंटेक्स में भी आपको इसमें थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, कि WTO जो सब्सिडीज के कंटेक्स में बात करता है, तो ये जो हमारी सब्सिडी है इसको WTO अलाव नहीं करना चाहता, क्यों, क्योंकि ये वो कहता है कि ये मार्केट को आपका डिस्टोर्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली उनके उसमें दे रहे हो, तो इस टाइप की सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। WTO रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सब्सिडीज में ज्यादा फोकस करता है इनोवेशन, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ये वाली सब्सिडीज जो होती हैं ये शॉर्ट टर्म सब्सिडीज होती हैं। बट इंडिया जैसे कि बाली और दोहा डिक्लेरेशन वाला अगर अपन देखते हैं, तो पीस क्लोज हमने उस टाइम को भी, अब तो इंडेफिनेटली आपका एक्सटेंड हो चुका है, बिकॉज वी हैव टू सपोर्ट अवर पॉपुलेशन, वी आर ए वेलफेयर स्टेट, और इंडिया में वेलफेयर स्टेट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप इसमें जैसे पॉलिटिकल एंगल भी लिंक करके अपने आंसर की जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। अब देखिए जैसे फूड सिक्योरिटी बिल है, तो यहाँ से सबसे पहले तो एक स्टैट्यूटरी राइट बना कि फूड मेरा अधिकार है, तो उसमें कवरेज जो है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका 67% लगभग 2/3 ऑफ पॉपुलेशन अपने इसमें इंक्लूड करी गई थी, जिसमें 3/4 हमारी गाँवों की थी और हाफ ऑफ पॉपुलेशन अर्बन एरियाज की थी, जिनको कि 5 किलोग्राम सीरियल जो है वो सब्सिडाइज प्राइसेस में दिए जाते हैं। अभी जैसे कोरोना के कंटेक्स में एक सवाल पूछा गया था HCS में कि भाई कोरोना को कैसे अच्छे से हैंडल किया, तो वहां पे जैसे अभी भी हम फ्री फूड जो है वो सप्लाई कर रहे हैं अंत्योदय योजना में, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ बेसिक कंसर्न जैसे कि WTO में क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास जैसे एम्बर बॉक्स सब्सिडी होती है, जिनको ये अलाउ नहीं करता, अलाउ करता है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की, जो हमारी R&D वाली होती है, इनको लिमिट किया गया है 10% पे। एक क्वेश्चन ये पहले भी आया था IR में WTO के कंटेक्स में, तो जैसे देखो 10% ये हमारे 1988-89 के आसपास के जो GDP थी डेवलपिंग कंट्रीज के उसको फिक्स किया गया था, और डेवलप्ड कंट्रीज में बोला गया था 5%, बट उनकी GDP ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। अब इंडिया को क्या है, बहुत पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है, GDP भी इंक्रीज हुई है, ठीक है, बट उतना पर हम इसको जो लिमिट है उसको ब्रीच कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा फूड सिक्योरिटी बिल की जो कमिटमेंट है उसके कंटेक्स में, तो हमारा फूड सिक्योरिटी है, या फिर हम जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जो एग्जेम्पशंस देते हैं, MSP की भी आप बोल लो, PDS की भी आप बोल लो, तो इसमें जो भी मिलता है, ठीक है, तो ये रहता है। और हमें जैसे प्राइसेस वगैरह जो हैं वो आपको इन्फ्लेशन के हिसाब से अपडेट करने पड़ते हैं, पीस क्लोज जो मैंने आपको बताया, तो लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंट सोल्यूशन हमें इसमें ढूंढना पड़ेगा। अभी तो इन्होंने बोला है WTO में कि कंसेंसस बेस्ड आपका रहता है, तो अभी तो कोई भी हमें प्रेशराइज भी नहीं कर रहा है, बिकॉज नाउ इंडिया इज अ इकोनॉमिकली पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री, तो हमारी बातें भी सुनी जा रही हैं, ठीक है, एंड वी आर एमर्जिंग एज अ लीडर ऑफ अदर डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो। और इसमें क्या है, जैसे कि देखो करंट जो फूड ग्रेन अलोकेशन है स्टेट्स का, उसको प्रोटेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। अब देखिए ये स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की है भी, और इसमें इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है, प्लस जैसे आइडेंटिफिकेशन करना बेनिफिशियरीज का, ठीक है, वो सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। तो यहाँ पे स्टेट फूड कमीशन आपके बनाए जाएंगे, मतलब उस टाइम के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं, वो बनाए गए फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन द मॉनिटरिंग ऑफ द एक्ट। प्रोक्योरमेंट नीड जो है वो इंक्रीज हुई है, तो इससे जो ग्रेन इम्पोर्ट है, या फिर नेशनलाइजेशन ऑफ द ग्रेन ट्रेड, तो गवर्नमेंट जो इम्पोर्ट है वो और ज्यादा कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट लिमिटेड टू ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये एक मेजर इश्यूज है, जैसे कि हम राइस वीट, ठीक है, या फिर पल्सेस, वो भी लिमिटेड इन, मेनली तो हम राइस वीट पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, बट व्हाट अबाउट अदर ग्रेन्स, ठीक है, या फिर रीजन स्पेसिफिक ग्रेन्स, तो
तो उनमें सरकार उतना नहीं कर पा रही, ये एमएसपी के कंटेक्स में भी हमारे इश्यूज रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी अपने को देखनी है, इम्पोर्ट्स भी हो सकता है, पर अभी तो हम सेल्फ सफिशियंट आराम से हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि इट विल हर्ट फार्मर्स ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जैसे एवरीबडी जो है वो ग्रेन्स को चीप प्राइस पे ले रही है, फार्मर्स को अपने रिम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिल रहे एफएसबी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। बट गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि भाई एमएसपी को इंक्रीज करे, तभी बेनिफिट ऑफ फार्मर्स को बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा अपने बढ़ेंगे। अब धीरे धीरे, अब क्योंकि इसके एमएसपी इन इटसेल्फ आपसे पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है 2-3 बार तो डायरेक्टली कि कैसे अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, क्या हमारा A2FL फॉर्मूला है, 50% जो कॉस्ट है उस पर अपन ऐड करके देते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें अपनी रहती हैं। मान लो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे तो डेफिनेट आपको 150 रुपीज तक का मिलने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अब देखो फूड, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो फूड सब्सिडी की जो कॉस्ट है, मान लो आप फूड में दे रहे हो, आप उसको एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में भी एक्सपेंडिचर करें, ठीक है, बट वो पैरेलली करना पड़ेगा। देखो इसको जैसे पॉपुलेशन जो है उसको भी हम सपोर्ट करते रहें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर भी अपन साथ साथ काम करते रहें। यहाँ पे एक मेजर इश्यू जो था, जैसे अपन ने ऊपर भी मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में बताया था, जैसे लीकेजेस का बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, कि चाहे वो पैसे के कंटेक्स में हो, फूड ग्रेन के कंटेक्स में हो, तो पीडीएस की लीकेज आपके बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि सारा का सारा पीडीएस के ही थ्रू हो रहा है, मोर मनी थ्रू ऑलरेडी लीकिंग पीडीएस आपका जाएगी, वेस्टेज होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पीडीएस रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है। पीडीएस रिफॉर्म इन इटसेल्फ आपका एक सेपरेट टॉपिक भी है यूपीएससी के लिए। अब जैसे पीडीएस रिफॉर्म्स की भी थोड़ी सी अगर अपन बात करें, तो वहां पे जैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी तो हमने डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कंटेक्स में भी आप बात कर सकते हैं, या फिर जैसे पीडीएस में बायोमेट्रिक, बापू एक आपका आया था, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही आपको दिया जा रहा था, ठीक है, आपका आधार नंबर भी लिंक कर दिया गया, या फिर वन नेशन वन राशन कार्ड वाली स्कीम को भी पीडीएस से लिंक किया गया है, ठीक है। जीपीएस भी आपका ट्रक्स वगैरह में लगाया गया है जो खाना वगैरह लेके जाते हैं, ठीक है, मॉनिटरिंग और ज्यादा स्मार्ट मॉनिटरिंग हुई है स्पेशली ई टेक्नोलॉजी के कंटेक्स में। नाउ देखो अब यहाँ से इन्फ्लेशन भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, दे आर स्पेंडिंग जो मनी जो है सेव्ड ऑन फूड ऑन अदर थिंग्स, ठीक है, तो क्योंकि फूड जो है वो आपको कम प्राइस में मिल रहा है, ठीक है, मान लो आपके पास 1,000 रुपए थे, सरकार ने फूड तो आपको 2 रुपए में प्रोवाइड करा दिया, अब वो हो सकता है आपको 20 में मिलता, ठीक है, तो आपके पास खर्चा करने के लिए 80 रहते, अब हमारे पास कितने हैं 98, तो इट विल इंक्रीज द डिमांड इन इकोनॉमी। तो ये अदर जो आइटम्स हैं अदर देन फूड आइटम्स उनकी महंगाई पे भी फर्क डाल सकता है, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा लिंक करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडी गिवन टू द फार्मर एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल, क्रिटिकली एनालाइज द एग्रीकल्चर सब्सिडी रिजीम विद रेफरेंस टू द डिस्टोर्शन क्रिएटेड बाय इट। इसी के कंटेक्स में ऊपर भी मैंने बात करी थी। अब देखो अलग अलग सब्सिडीज क्या दी जाती हैं, पहले तो सोचो कि फार्मर जो है वो उगा रहा है तो उसको सीड्स पे सब्सिडी दी जाती है, फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी दी जाती है, उसके अलावा जैसे जैसे आपने अगर ट्रैक्टर वगैरह लेना है, ठीक है, उस पर सब्सिडी दी जाती है, आपने क्रॉप का इंश्योरेंस करवाया उस पर सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, उसके बाद जब आप मार्केट में बेचने जाते हो तो आपको एमएसपी पे भी दी जाती है, वो भी एक सब्सिडी है, आप पीडीएस आप अगर वहां से खरीद रहे हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे भी सब्सिडी है, फार्मर्स भी खरीदते हैं, तो ये सारा का सारा रहेगा, ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की सब्सिडीज हमारी दी जाती हैं। उससे होता क्या है कि भाई जो मार्केट प्राइस है, बेसिकली इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, इट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई का इशू, ठीक है, कि भाई ज्यादा डिमांड है तो ज्यादा प्राइस आपका बढ़ेगा, उससे फिर प्रोडक्शन भी अपना उसी हिसाब से रहता है। बट यहाँ पे क्या है कि हमें एक ट्रू पिक्चर जो है वो नहीं मिल पाती, बट हमें अपने पॉपुलेशन को भी सपोर्ट करना है जैसे अपन ऊपर डिस्कस कर रहे थे, बट ये मार्केट को कैसे डिस्टोर्ट कर रही है, बिकॉज जो रियल प्राइस है मान लो 100 रुपए का था पर वो यहाँ पे 80 रुपीज का मिल रहा है, ठीक है, तो वैसे तो ये 20 रुपीज आपके यहाँ से चले जाएंगे, सरकार दे देगी, बट सरकार कहाँ से देगी, सरकार देगी बजट से, सरकार खुद से तो ला नहीं रही, ठीक है, पर यहाँ पे कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी इस हिसाब से तो जनरेट नहीं हुई, ठीक है, सरकार अगर इसी पैसे को जो अभी सब्सिडी में जा रहा है, अगर इसी पैसे को मान लो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में क्रिएट करती तो वो आपका इकोनॉमी में और ग्रोथ करता, यानी सब्सिडी इज लाइक कि वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी, रियल इकोनॉमिकल एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही, हम एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक मेजर इश्यू यहाँ पे अपना हो जाता है, इसीलिए सब्सिडी को
मार्केट डिस्टोर्शन के कंटेक्स्ट में देखा जाता है कि जो रियल पिक्चर मार्केट की है वो हमें नहीं मिल पाती। देखिए बेसिकली जो सब्सिडीज हैं वो हमारे एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बाद स्पेशली आई थी सेंट्रल स्टेट लेवल पर। अब देखो एमएसपी भी जो है, जैसे इसके भी दो तीन जो मेजर इश्यूज रहते हैं कि वैसे तो आपने 24 क्रॉप्स के कंटेक्स्ट में भी बात करा है, बट मेजरली दो क्रॉप्स को ही आपका ज्यादातर दिया जा रहा होता है। और उसमें भी जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में अगर अपन देखें तो जो बड़े बड़े स्टेट्स ही हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तो इन स्टेट्स में एमएसपी और ये सब्सिडी ज्यादा दी जा रही है रेदर देन अदर। ठीक है, तो इनका मार्केट अलग तरीके से काम करता है, दूसरे स्टेट्स का मार्केट अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, जो रियल आपकी पुअर पॉपुलेशन है जैसे मान लो यूपी में है, बिहार में, वेस्ट बंगाल में है, तो उस तरीके से झारखंड, छत्तीसगढ़, तो उनको फिर भी सब्सिडी नहीं मिल रही, एमएसपी बेनिफिट भी उतने नहीं मिल रहे, तो वो पर्पस को भी ओवरऑल डिफीट कर देता है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो भी अपने पास अवेलेबल आंसर है उसके हिसाब से। देखिए सेंट्रल लेवल सब्सिडीज जैसे एमएसपी है, तो एमएसपी तो इन इटसेल्फ भी ये हो गया, ये आपका वीटो राइस के लिए ज्यादा दिया जा रहा है, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में ही ज्यादा है। ठीक है, ऑल्सो जैसे इस वजह से क्या होता है कि ये क्लाइमेट को ना सूट करते हुए क्रॉप्स भी आपका उगाते हैं। जैसे हरियाणा के कंटेक्स्ट में ही अगर आपने रिसेंटली देखा होगा मेरा पानी मेरी विरासत जो स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, क्योंकि हम राइस को उस तरीके से उगा रहे थे तो हमारा जो वाटर टेबल है वो नीचे चला गया था, तो सरकार ने कहा कि आप कुछ पैसे ले लो बट दूसरी क्रॉप पे शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, तो दीज वर वाटर गजलिंग क्रॉप्स, जैसे राइस का ही कंटेक्स्ट हो गया, यहाँ पे भी यही दे रखा है। या फिर आप शुगर केन की भी बात कर लो, जैसे विदर्भा महाराष्ट्र में उसको भी उगाया जा रहा था, तो वहां पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इससे होता क्या है, एक तो ये भी बहुत बड़ा इशू है मार्केट डिस्ट्रक्शन के साथ साथ कि भाई इकोलॉजिकली फ्रेंडली जो आपकी फार्मिंग है हमें उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है, क्रॉपिंग पैटर्न जो हम बात करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से हमें उसको करने की आवश्यकता है, तो इफेक्टिव रहेगा ये सारे के सारे रीजंस के लिए और क्रॉप के लिए इट इज हाईली नीडेड, क्योंकि जो पुअर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं सबसे ज्यादा तो वही इफेक्ट होता है। क्लाइमेट चेंज भी जो आपका हो रहा है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो उससे सबसे ज्यादा इफेक्ट इन्हीं पे ही आ रहा है। और क्या दिया जा रहा है, सरकार आपको क्रेडिट देती है, लोन देती है, ठीक है वो भी हमें मिलता है। जैसे आप एमएसएमई सेक्टर में देखो, मुद्रा सेक्टर में देखो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आप देख लो, तो इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह से आप लिंक कर सकते हैं, आपको डिस्कशन से समझ में आ रहा होगा। फिर ऐसे ही जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स जो हमारी है, ठीक है उसके कंटेक्स में भी ऐसे ही रहता है, डेट वेवर कई बार कर दिया जाता है, जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट एग्रीकल्चर सेक्टर में तो ज्यादातर मान लो 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ ऐसे ऐसे डेट्स को वेव कर दिया जाता है, बट द पॉइंट इज वो पैसा तो गया, चाहे मतलब मे बी जेन्युइन रीजंस की वजह से कई बार हमें डेट वेव करनी पड़ती है, बट कई बार पॉलिटिकल कंपल्शंस भी उसको वेव करा देते हैं। तो उसमें एक टर्म हम यूज करते हैं क्रेडिट कल्चर, आरबीआई कहता है कि इससे क्रेडिट कल्चर हमारा डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो भी आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत ही कंसर्निंग एक चीज हो जाता है, क्योंकि अब आरबीआई या जो बैंक्स हैं वो डरेंगे क्रेडिट देते हुए कि पता नहीं ये पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। अब सरकार पे किस टाइम तक भरोसा कर सकते हैं, सरकार ने एक बार ऑफ कर दिया, दो बार ऑफ कर दिया, बट सरकार की भी अपनी लिमिटेशन है, सरकार कितना पैसा छापेगी, छापेगी तो सरकार को भी तो पे करना है, ऐसा तो है नहीं कि पैसा हवा में ही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा का सारा है। ऑल्सो देखो और क्या सब्सिडी है फर्टिलाइजर में, जैसे यूरिया, तो अब इसको भी सोल्व करने के लिए अभी हमारे पास क्या आ गया है, नैनो यूरिया आ गया है, या फिर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी भी आ गई है कि भाई आपको जो न्यूट्रिएंट चाहिए उसके हिसाब से, तो ये पहले भी चल रहा था। ठीक है, ऐसे ही आपको एचवाईवी सीड्स करने के लिए भी दिए जाते हैं मार्जिनल फार्मर्स को, स्मॉल एंड मार्जिनल। देखिए आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, मोर देन 85% ऑफ आवर फार्मर दे आर मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, वो फर्टिलाइजर्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि वो साइंटिफिक तरीके से उतना नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे मान लो जहाँ पे देसी भाषा में अपने बोलते हैं कि एक कट्टा जहाँ पे पहले काम कर रहा था, अब डेढ़ कट्टा दो कट्टा आप डाल देते हो, तो होता क्या है कि टेम्परेरली तो आपकी यील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखते हैं तो सोयल में एल्कलिनिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाती है, सोयल की हेल्थ भी आपकी डिस्टोर्ट हो जाती है, और जो हमें हेल्थ फूड जो मिलता है वो भी काफी उतना मतलब न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना अच्छा नहीं होता, और केमिकल्स होते हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फिर आपको यूज करने पड़ते हैं, या फिर ये भी जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, तो ये सारे के सारे उससे हो क्या रहा है, पंजाब हरियाणा वाले रीजन में कैंसर के जो केसेस हैं वो भी बहुत सारे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी रहेगा। ऑल्सो जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जैसे आपने सुना होगा यूट्रोफिकेशन, जैसे कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये आके पानी में आपके हो जाते हैं, तो एल्गल ब्लूम कई बार देखने को मिलता है, विलेज के आसपास के जो हमारे वाटर बॉडीज हैं उनमें कई बार गड़बड़ आ जाती है। इंश्योरेंस वाला भी हमने ऊपर डिस्कस किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो आपका दिया जाता है जैसे 1.5%, 2%, 5%, ठीक है, तो उससे भी कई बार वो हो जाता है, बट वो हमें सपोर्ट भी करना पड़ता है। ऐसे ही
जैसे स्टेट लेवल पे क्या है अपना ये कि भाई इरिगेशन वाटर जो है उसमें आप सब्सिडी देते हैं, उसमें कोई कॉस्ट ज्यादा आपसे ली नहीं जाती, लमसम अमाउंट जैसे इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी भी देख लो। अब ये सेकंड पॉइंट तो यही है, उससे होता क्या है, दोनों को मिक्स करके अगर अपन देखें, ठीक है, तो वाटर गजलिंग क्रॉप्स आप उगा रहे हैं, ठीक है, वाटर डिप्लीशन हमारा हो रहा है, तो ये काफी मेजर इश्यूज हैं। अब हम इनको एड्रेस करने के लिए फिर से बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा रहेगा। तो ये डिस्कशन अपना हो गया डिटेल में काफी। देखो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन मेजर्स टू प्रमोट द पिंक रिवोल्यूशन इन फूड इंडस्ट्री, ठीक है, फॉर एंश्योरिंग बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, क्रिटिकली इलुसिडेट द स्टेटमेंट। अब देखो आप प्री की जो नॉलेज है, वैसे मेंस में क्या है कि आपको चीजों को लिंक करना आना चाहिए, ठीक है, आप एक अगर अपने दिमाग में पिक्चर बनाओगे तो वो, बट प्री की नॉलेज आपकी कहाँ पे काम आती है वो थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे रिवोल्यूशन, अब आपको मान लो कोई भी रिवोल्यूशन का नाम दे दिया, अब अंदर का इसको हम देसी भाषा में, जैसे मैं प्रमोद जब हम दोनों प्रिपेयर करते थे तो प्रमोद इज एन IRS ऑफिसर राइट नाउ, तो हम बात करते थे, हम बोलते थे इसको मसाला, मीन्स का आपका मसाला होता है, ठीक है, अच्छा मसाला आपको तैयार करना है, उसी मसाले को ग्रेवी के हिसाब से आपको यूज करना है। तो अब इसमें अपना क्या रहेगा, जैसे पिंक रिवोल्यूशन है, हो सकता है आपसे ब्लू रिवोल्यूशन पूछ ले, व्हाइट रिवोल्यूशन पूछ ले, या कोई भी चीज पूछ ले, तो उसमें आपको सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लिंक करके आपको बताना है कि मान लो एक स्टेक होल्डर फार्मर रहेगा, ठीक है, या एंटरप्रेन्योर आपका रह सकता है, फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकती है, फूड पार्क्स की भी हम बात करते हैं, ये सारा का सारा हो सकता है, मार्केट आपका हो सकता है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट हमारी हो सकती है, कॉर्पोरेट सेक्टर भी हमारा हो सकता है, कॉर्पोरेट फार्मिंग भी हमारा हो सकता है, तो इन सारी चीजों को अपन लिंक कर सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल के कंटेक्स में भी हम बात कर सकते हैं, या फिर कंज्यूमर जो है उसके परस्पेक्टिव से भी हम बात कर सकते हैं, या फिर आजकल हम बात करते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो फीमेल एज अ स्टेक होल्डर लाके भी आप इसमें बात कर सकते हो, चैलेंजेस के कंटेक्स्ट में भी और उससे जो फायदे हो रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में भी। देखो अब सबसे पहले तो आपको अगर जैसे मान लो आपको कोई टर्म दे दी, जैसे स्पेस में भी आपसे ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे जूनो मिशन पूछा, ठीक है, बाकी अंदर का मसाला वही रहेगा, लाइफ देखना है, ग्रोथ देखनी है, स्पेस कैसे बना ये देखना है, ठीक है, अर्थ कैसे ओरिजिन हुआ, इवोल्यूशन हुआ वो देखना है, वो सारा का सारा सेम है। बट हाँ अगर आपको यही नहीं पता कि जूनो मिशन किसके लिए है, जैसे जे फॉर जुपिटर, जे फॉर जूनो मिशन, ऐसे ही अगर आपको यही नहीं पता कि पिंक रिवोल्यूशन हमारा किसके लिए है, तो हाउ विल यू प्रोसीड, ठीक है, तो ये हमारा है, तो ये चीज आपको समझनी है। तो देखो पिंक रिवोल्यूशन हमारा मीट और पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए आपका रहता है। अब इसमें मेजर चीज क्या है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के कंटेक्स में यहाँ से आपको मिलता क्या है, जैसे एक तो मेजरली हमें प्रोटीन्स मिलते हैं या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, तो वो मतलब देखिए इंडिया नीड टू स्ट्रेंथन मेजर्स टू प्रमोट, अब ये क्या क्या हमें स्ट्रेंथन करना है वो चीजें अपने को देखनी है। जैसे मेजरली जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने आपका व्हीट, राइस और इन सब पे फोकस किया, व्हाइट रिवोल्यूशन में हमने इस पे फोकस किया, नाउ टाइम हैज कम टू इन्वेस्ट इन द पिंक रिवोल्यूशन, इस तरीके से आप बात करते हुए इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। इंडिया अभी तो अगर अपन देखें कैटल पोल्ट्री पॉपुलेशन, कैटल में तो अपन नंबर वन पे है, पोल्ट्री में आई थिंक थर्ड पे होंगे, सेकंड थर्ड आई डोंट नो एग्जैक्टली, देख लेना, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा स्कोप है कि भाई इसको अच्छे से प्रॉपरली मॉडर्नाइज किया जा सके। जैसे आप देखो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां की जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, कैटल इंडस्ट्री है, इट इज हाईली कमर्शलाइज, पर हमें एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, वहां पे जो चीज काम करी हमारे यहाँ पे भी काम करेगी, वी डोंट नो, कर भी रही है ऐसा नहीं है, बट हाँ एक जो विलेज सेक्टर की इकोनॉमी है उसमें रेदर देन गोइंग कम्प्लीटली कमर्शलाइज हम एक बीच का रास्ता निकाले, तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें देखो चैलेंजेस क्या है, पहला तो देखो हमेशा अब पैसा नहीं है भाई, ठीक है, कैपिटल इज ऑलवेज अ चैलेंज, इन्वेस्टमेंट नहीं है ये। सेकंड अगर अपन देखें, देखें पोटेंशियल अगर अपन देखें तो मीट कंजम्पशन अभी जैसे 6 ग्राम 7 ग्राम यानी लेस देन 10 ग्राम है, उसको आप 50 ग्राम तक इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जैसे पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 1 किलोग्राम तो आपको प्रोटीन लेना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा बॉडी वेट है 80 किलोग्राम, तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 80 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा, बट अगर मैं खा ही रहा हूँ 30 ग्राम, तो अभी स्कोप है 50 ग्राम का, तो वो आएगा कहाँ से, प्रोडक्शन करो, ठीक है। ऑल्सो वी हैव टू क्रिएट अ स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉर मीट प्रोडक्शन के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा आपको क्वालिटी जो है, सेफ्टी एस्पेक्ट जो है मीट एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री का, क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या इशू होता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में हमारा जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स वगैरह जा रहे थे उनको कई बार ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, ऐसे चाइना के कंटेक्स में भी आप देख लो, तो वहाँ पे वो यूज करते हैं सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स जो हमारे WTO के कंटेक्स में रहते हैं, कि अगर आपकी हाइजीन अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वहां पे अब यहाँ पे हमारा आता है कि जो
स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है, या फिर क्वालिटी, काउंसिल ऑफ इंडिया के कंटेक्स में बात कर लो इस हिसाब से कि भाई क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज किया जाए, ठीक है, और उसका ट्रस्ट बिल्डअप हो कि हाँ भाई फसाई जो है, ठीक है, उन्होंने किसी प्रोडक्ट पे थाप लगा रखी है तो वो आपका अच्छा ही प्रोडक्ट होगा। तो ऐसे ही हमें इसमें करने की आवश्यकता है, हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मॉडर्न स्लॉटर हाउसेस, क्योंकि स्लॉटर हाउसेस में इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, हाइजीन उतनी अच्छी नहीं होती, जो हमारे ओल्ड है, अब उनको और अच्छे तरीके से आप बना सकते हो। ऐसे ही मीट टेस्टिंग फैसिलिटी की, भाई पर्टिकुलर मीट किस क्वालिटी का है, किस ग्रेड का है, जैसे हमने वीट और राइस में हम टेस्टिंग क्वालिटी करते हैं, क्वालिटी 1, 2, A, B, C, D, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूट्रिशन कितना है, मॉइस्चर कितना है, ठीक है, उसके हिसाब से। ऐसे ही कोल्ड स्टोरेज हमें बनाने की आवश्यकता है, उससे आपका पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। देखो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हर साल एक क्वेश्चन आता है, इसमें भी आप देख लेंगे, ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग पे एक दो साल में ही नहीं पूछा यूपीएससी ने तो, कि कैसे अपन एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन संपदा स्कीम, तो उस कंटेक्स में ही आपको बात करनी है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी और इनिशिएटिव क्या चल रहे हैं इस कंटेक्स में, इंक्रीज करना, FDI अपन ने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं तो इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा सोल्व करने के इशू, सोल्व करने का अपन कर ही रहे हैं। इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छे 10-15% के रेट से आपका ग्रो कर रही है, बट कोरोना के बाद सारे की सारी इंडस्ट्रीज थोड़ा सा डाउन तो गई हैं, ठीक है, पर उसमें भी अपने को करना है, जैसे इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, इसमें भी एग्जम्पशंस हम दे रहे हैं, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री पे भी, ठीक है, तो उसको भी अपने को देखना पड़ेगा। हाँ, क्वालिटी अगर आप अच्छे से कर देंगे तो आप मार्केट जो है वो अच्छा कैप्चर कर सकते हैं, स्पेशली जो आपका हाई मार्केट है उसको, ठीक है, इसको अपने को देखना है, वन सेकेंड। ओके, ऐसे ही जैसे गवर्नमेंट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम आपकी लॉन्च करी है फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ जो एबिटोर्स होते हैं अक्रॉस द कंट्री, जहाँ पे आई थिंक ये स्लॉटर हाउसेस को ही बोला जाता है, टू एड्रेस द क्वालिटी स्टैंडर्ड, कंटेमिनेशन, डिटेरियरेशन, और जो आपका काफी वेस्ट भी जनरेट होता है, मीट वेस्ट, तो उसको भी एड्रेस करने के लिए हमने काफी कुछ किया है, ठीक है, तो ये अपना रहेगा। उसके अलावा जैसे अगर अपन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7, विल सी, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है कि एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द कंपनीज ओन्ड बाय इंडियंस, आर दे कंपीटिंग विद द MNC सेटिस्फैक्टरली, ठीक है, क्योंकि जैसे LPG रिफॉर्म्स के बाद काफी पैसा बाहर से आने लग गया था, मल्टीनेशनल कंपनीज आने लगी थी, तो इनके पास क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेस थे, कैपिटल था, तो क्या हमारी कंपनीज उनके साथ कंपीट कर पा रही है? सो डेफिनेटली देखो, बाहर से पैसा है, हमारी कंपनीज में भी लगा, ऐसा नहीं है कि हर कंपनी की ओनरशिप चली गई, तो उनको भी फायदा हुआ है, रिसोर्सेज मिले हैं, स्किल मिली है, टेक्नोलॉजी मिले हैं, उनकी भी ग्रोथ हुई है, ठीक है, प्रॉफिट जनरेट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, वो सारी की सारी चीजें हैं। बट चैलेंजेस भी हैं कि काफी जैसे छोटे जो बिजनेसेस हैं वो बंद भी हुए थे, तो वो सारे के सारे अपने को इसमें बात करनी है, अलग अलग तरीके से अपन देख सकते हैं। देखिए इसमें आप कंटेक्स्ट बता सकते हो बैकग्राउंड में कि 1991 LPG रिफॉर्म्स और ये सब, तो हमारा डायरेक्ट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जो है वो पहली बार अलाउ हुई, और धीरे धीरे अब इंक्रीज करके अप्रॉक्सीमेटली काफी जो सेक्टर्स हैं एक्सेप्ट योर एटॉमिक एनर्जी, या फिर अब तो डिफेंस भी नहीं बचा, तो न्यूक्लियर एनर्जी को छोड़ के सारे सेक्टर धीरे धीरे ओपन हो चुके हैं। नाउ लेट अस सी, देखिए वही पूछा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अपन देखेंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट इसमें रहा है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। देखो पॉजिटिव क्या है, एक तो इन्वेस्टर डाइवर्सिफाई हो गए, कि पहले हम सिर्फ इंडिया से ही इन्वेस्टर थे, बाहर से भी आ रहे, तो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा बड़ा है, यानी कैपिटल आपका बड़ा है, कैपिटल आउटफ्लो बड़ा है तो ग्रोथ भी बढ़ेगी। देखो कैपिटल आता है तो वो कैपिटल आप रिसोर्सेज इंक्रीज करने में, आप फैक्ट्रीज बनाएंगे, गोडाउन बनाएंगे, मशीन लेके आएंगे, ठीक है, और लेबर्स को एम्प्लॉय देवो वेजेस दोगे, तो ये सारी की सारी चीजें हायर ग्रोथ में भी करती हैं। इससे वैल्यू ऑफ स्टॉक मार्केट भी बढ़ी है, क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होने लग गया, तो और ज्यादा कैपिटल आपकी इन्वेस्ट होने लग गई, और ज्यादा इन्वेस्ट होने लगी तो और ज्यादा फायदा हुआ, ये सब रहा। टेक्नोलॉजी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका इंडिया को बहुत ही ज्यादा लाभ मिला है, कि पहले, अब देखो इंडिया में हेल्थ सेक्टर इज वेरी गुड, स्पेशली मेडिकल टूरिज्म के लिए भी वी आर नोन, ठीक है, और वो भी कम पैसे में और अच्छी क्वालिटी का, तो ये इस वजह से पॉसिबल हो पाया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से, बाहर की कंपनीज ने टेक्नोलॉजी बनाई, ग्रो करी, ठीक है, अब क्या है कि वो विद दिस एरा, तो वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी अब सब जगह आने लगी है, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है, आउटसोर्सिंग काफी चीजों की हो गई है, ठीक है, इंडिया में भी आउटसोर्सिंग हो रही, जैसे BPO और ये सब अपना काफी ग्रो किया, ऐसे ही MSME सेक्टर जो है वो भी काफी हमारा बूस्ट हुआ है। देखो
एक बड़ी कंपनी बनी तो उसके साथ साथ छोटे छोटे जो स्पेयर पार्ट और ये सब सप्लाई करने वाले सर्विस सेक्टर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हो सकता है, वो भी ग्रो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कार है, तो कार के कंटेक्स में हमें जो भी चीजें चाहिए छोटी छोटी, अब ऐसा तो है नहीं कि जो बड़ी कंपनी है वो सारा का सारा कार ही बनाएगी, वो मेजरली असेंबल करती है और उसके पास टेक्नोलॉजी होती है जो मेजर इंजन और ये सब टेक्नोलॉजी होती है, बट टायर्स बनाना, स्टेयरिंग बनाना, कलरिंग करना, ये सारे अलग अलग को आउटसोर्स किए जाते हैं। बट व्हाट इज द नेगेटिव इम्पैक्ट, कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो मैनी जो आपके इंडस्ट्रीज हैं उनमें से बहुत सारी कंपनीज जो है वो बंद भी हुई, एक्विजिशन मर्जर्स जो आज के टाइम पे भी आप बहुत ज्यादा देखते हैं, छोटी छोटी कंपनीज को मिला लिया जाता है, दो बड़ी कंपनीज मिलके मोनोपोली भी क्रिएट कर लेती हैं, ठीक है। एडटेक सेक्टर में भी ये बहुत ज्यादा देखा जाता है, और बेटर लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन जो है वो और ज्यादा एफिशिएंट हो गई है, ये तो आपका पॉजिटिव में ही रहेगा। रैपिड चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो जो कई बिजनेसेस हैं ठीक है उनको बंद होना पड़ा, वो उतना अडेप्ट नहीं कर पाए। जैसे आज के टाइम पे अगर अपन बात करें कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का यूज करके काफी बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, एंड स्पेशली जैसे इनकी मदद से 10 आदमियों का काम एक आदमी दो आदमी ही कर पा रहे हैं, तो जो 8 की जॉब थी वो तो चली गई, तो अब जो इनसे अडेप्ट नहीं कर पाते वो बिजनेसेस ऑटोमेटिकली अपने बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है, तो नाउ इफ यू सी जैसे इंडियन कंपनीज जो हैं दे आर ऑल्सो आउट परफॉर्मिंग एमएनसी, जैसे कि टेलीकॉम में आप देख लो एयरटेल है, रिलायंस है, इंश्योरेंस में भी आप देख लो, ठीक है, बैंकिंग में देख लो LIC वगैरह अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे इंडियन बैंक्स दे आर डूइंग गुड ऑल्सो, ठीक है, PNB और ये सब, और कंपनीज में भी दे आर कम्पीटिंग, ऑटोमोबाइल इंडियन कंपनीज, ठीक है, एंड कंपेरेटिवली फूड प्रोसेसिंग बेवरेजेस में थोड़ा सा कम है, बाकी हमारा टेलीकॉम और इन सब में ठीक चल रहा है। ऑटोमोबाइल में भी हम अच्छे से कम्पीट कर पा रहे हैं, ठीक है, जैसे टाटा है तो रेंज रोवर उसको भी उन्होंने एक्वायर किया, तो बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज को भी हम एक्वायर भी कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एलिमिनेशन ऑफ द पॉवर्टी इन द इंडियन इकोनॉमी, डिस्कस द डिफिकल्टी इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीकल्चर फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म। तो यहाँ पे क्या डिफिकल्टीज हैं वो भी आपको देखनी है, प्लस उनके सॉल्यूशंस की भी आप ब्रीफली बात करके आएंगे आप कंक्लूजन करते हुए। देखो लैंड रिफॉर्म जो है उसके आप ट्रिक याद रखना, अतरू अतरू C2, ठीक है, अतरू क्या है, ए फॉर एबोलिशन, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, तो ये जो है वो हमारा पहला हो जाएगा, टी इज टेनेंसी रिफॉर्म तो ये सेकेंड हो जाएगा, आर इज रीऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो 3 लोगों की लैंड अलग अलग जगह थी उसको एक जगह पे प्रोवाइड करा दिया, दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यू इज अपर जो अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन ऑफ रिकॉर्ड, जैसे हम आज के टाइम पे देख रहे हैं स्वामित्व स्कीम आपने देखी होगी, तो ये भी है इसमें, एंड C2 में C इज कंसोलिडेशन एंड सीलिंग, तो ये है C2, ठीक है। तो ये अलग अलग रिफॉर्म्स थे इनके अपने, वैसे लैंड रिफॉर्म इन इटसेल्फ एक डिफरेंट बड़ा चैप्टर है, बट इसमें देखो ये पूछ रहा है कि इसके बीच में आपको एक रिलेशन एस्टेब्लिश करनी है, लैंड रिफॉर्म अगर अच्छे से हुए ठीक है तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी इनकम जनरेट होगी और डेफिनेटली आप पॉवर्टी को एलिमिनेट कर पाओगे, दैट इज हाउ यू हैव टू लिंक इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट, या फिर आप एक फ्लो चार्ट भी उसका बना सकते हैं, और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा उसके बारे में भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। नाउ व्हाट आर द डिफिकल्टीज, देखिए अब ये तो इसमें है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट, अब इसमें इश्यूज क्या है, जैसे कि जो बड़े बड़े लैंड रिफॉर्म्स थे इसका इम्पैक्ट क्या रहा, पहले तो पॉजिटिव इम्पैक्ट, और उसके कंटेक्स में अपन देख रहे हैं डिफिकल्टीज चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं लैंड रिफॉर्म्स के, वो भी अपन देखेंगे। देखो एक तो पहले जो बहुत सारे ये थे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास हजार हजार एकड़ तक का भी होता था, तो उनसे काफी जो लैंड है वो ली गई, बट यहाँ पे एक इशू ये आया कि बेनामी ट्रांजेक्शन हुए, अपनी फैमिली के अलग अलग रिलेटिव को आपकी दे दी गई जमीन और फिर उन्हीं के पास ही वो रहा। स्मॉल फार्मर्स जो है जैसे सेकेंड पॉइंट की उनकी प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ी है, जैसे लैंड कंसोलिडेशन वगैरह किया गया, आपकी छोटी जमीन यहाँ थी तो अब उसको एक बना दिया गया, तो उससे भी आपको बाहर से भी लैंड मिली, प्लस ये तो उससे प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज भी हुई है, रेंट सीकिंग आपका रिड्यूस हुआ है, एबसेंटी ओनरशिप आपका डिक्रीज हुआ है, ठीक है, इनइक्वालिटीज थोड़ी थोड़ी सी कम होती हुई लग रही है, ठीक है, ऐसा है, बट फिर भी दूसरे भी इश्यूज हैं, बट अभी हम थोड़ा सा पॉजिटिव देख रहे हैं। देखो रेंट सीकिंग कैसे डिक्रीज हुआ है, जैसे मान लो टेनेंसी रिफॉर्म किया तो उन्होंने कहा टेनेंट कौन रहेगा, उसके अपने अधिकार हैं, आप एक लिमिट तक ही आप रेंट लगा सकते हैं, ठीक है, पहले बहुत ज्यादा कर लेते तो वो भी ये रहा, पहले क्या होता था एबसेंटी ओनरशिप, एक लैंडलॉर्ड है ठीक है तो उसके पास बहुत सारी जमीन है, वो दूसरे को दे देता था, वो तीसरे को दे देता था, अब क्या है कि आपको ओनरशिप के हिसाब से भी देखना पड़ता है, आप एक सर्टेन अमाउंट लैंड से ज्यादा नहीं रख सकते,
अगर ज्यादा है तो उसमें फिर आपको वो किसी को देनी पड़ती है या फिर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो एक्चुअल लैंडलॉर्ड्स हैं वही ज्यादा बचे हुए हैं, ठीक है। नाउ पुअर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो पोटेंशियल बेनिफिट थे वो तो हमें नहीं मिल पाए। देखो सारे के सारे जितने भी थे उन्हीं में इश्यूज रहे। जैसे मान लो एक एक को देखते हैं, अथरू C2 में इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जैसे टेनेंसी जो है वो भी अंडरग्राउंड होगी, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। फ्यूडल सिस्टम जो पहले था उस पर थोड़ा सा चेक लगा है। जैसे अथरू में अपन ने देखा था एबोलिशन ऑफ जमींदारी, वो तो इन्होंने एबोलिश किया, ठीक है। तो इससे पर जैसे क्या हुआ कि जो यूपी और बिहार है वहां पे अभी भी कंटिन्यूड है, पंजाब हरियाणा और इन सब में तो हो गया। यानी ये भी थोड़ा सा कहीं हुआ कहीं नहीं हो पाया, ठीक है। ऐसे टेनेंसी रिफॉर्म किए तो उसकी वजह से क्या हुआ कि रेंट सीकिंग बिहेवियर तो कम हुआ, बट अब लोगों ने रेंट पे देना ही बंद कर दिया, ठीक है। इनफॉर्मल रेंट पे ज्यादा देने लगे क्योंकि उन्हें डर था कि सरकार को पता चल जाएगा ये मेरी जमीन है, या फिर मे भी हो सकता है कि लेटर ऑन कुछ लीगल इश्यूज भी आपके जनरेट होने लग जाए, इसलिए भी इशू हुआ। रीऑर्गेनाइजेशन भी आपका लैंड का किया गया, 3 लोगों की एक जगह दे दी, बट उसमें भी जो बड़े फार्मर्स थे उन्होंने इसका ज्यादा फायदा उठाया क्योंकि जो पॉलिटिशियंस के साथ उनका जो नेक्सस था, ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो नेक्सस था, तो इससे इनइक्वालिटीज भी बढ़ी है। मतलब जो कमजोर था उसको तो फिर भी जमीन अलग अलग जगह ही मिल रही है, ठीक है। C2 सीलिंग की अगर अपन बात करें, जैसे सीलिंग में जो भी था, मान लो 6 हेक्टेयर पे सीलिंग लगाई फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट ने, तो एक तो काफी स्टेट इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। केरला है, वेस्ट बंगाल है, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, वहां पे भी बट 10% तक ही कर पाए मैक्सिमम। 90% तो इशू वहां पे भी रह गया, ठीक है। और ओवरऑल इंडिया में भी 2-3% ही इसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो पाया। ऐसे ही अगर जो सेकंड था कंसोलिडेशन, वो अपन ने देख लिया। हाँ, R4 जो वो था अपग्रेडेशन, था अपग्रेडेशन जो था लैंड रिकॉर्ड्स का, उसमें भी अभी टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में अपन बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ओनरशिप के इश्यूज आ रहे थे, ठीक है। हमें पता नहीं था किसके साथ है, तो टेक्नोलॉजी की मदद से अब GPS की मदद से हम कर ही रहे हैं रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी। स्वामित्व स्कीम को आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए नाउ डिफिकल्टी इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या रहा। पहला तो जैसे सीलिंग अगर अपन देखें तो अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। जो टेनेंट था उसको भी कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई, ठीक है। और सेकेंड जैसे लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनके साथ मिले हुए थे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, तो नेक्सस था। तो लैंड रिफॉर्म्स उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाए, पॉलिटिकल विल एडमिनिस्ट्रेटिव विल ज्यादा कुछ थी नहीं, मतलब हाइप ज्यादा था उतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। एब्सेंस ऑफ द लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड, तो उससे मल्टीपल लिटिगेशन जैसे अपन ने ऊपर बात करी, जो लॉ है उसमें बहुत सारे लूपहोल थे, केसेस चले जा रहे हैं, सालों तक चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि अपर और लोअर दोनों ही तरीके से, यानी अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें उनमें विल नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स की बात करें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, और जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं वो भी अपने आप को कंसोलिडेट करके मूवमेंट नहीं कर पाए, ठीक है, कि भाई कोई प्रोटेस्ट करें अच्छे से इम्प्लीमेंट करे जाए, तो इसलिए उतना ज्यादा इम्पैक्ट, ठीक है, नहीं देखने को मिला। एंड जो हमारे स्वामीनाथन जी हैं वो भी कहते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ FDI एंट्री इनटू मल्टी ट्रेड रिटेल सेक्टर ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन कमोडिटी ट्रेड पैटर्न ऑफ इकोनॉमी। तो अब सारे वही रहेंगे, FDI आएगा, कैपिटल आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है, अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज को आप स्किल कर सकते हो, बना सकते हो, सीख सकते हैं, ये सारा रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल आएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड कैपिटल भी कंपटीशन भी बढ़ेगा। सप्लाई चेन जो है वो और ज्यादा बेटर होगी, रोबस्ट होगी, उससे आपका मार्केट इंटीग्रेशन भी रहेगा, ठीक है, आप मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप अच्छे से बेच सकते हो, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो ओवरऑल सारा का सारा यही रहता है। एक मैंने मोटा मोटा बता दिया है, अब इसमें फैक्ट्स वगैरह पुराने हैं तो ज्यादा कुछ अपन इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। मोटा मोटा देखें तो जैसे इट विल हेल्प इन क्रिएट रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, जैसे हम आज के टाइम पे बात करते हैं मेगा फूड पार्क्स, वो अपने जो बन रहे हैं, ठीक है, तो इसी की वजह से तो इकोनॉमी ऑफ स्केल आपकी बनेगी। मतलब कि भाई जैसे पहले आप मान लो 100 चीजें प्रोड्यूस कर पा रहे थे, ठीक है, बट आपकी एफिशिएंसी 1000 पे है, तो आप अब कैपिटल आई है तो आप 1000 कर पाओगे, तो 100 बनाने में मान लो आपको 100 रुपए लग रहे थे, बट 1000 बनाने में आपको 300 रुपए ही लग रहे हैं, तो अब वो जो प्रोडक्ट जो पहले 1 रुपए का था वो 0.3 का हो गया, 0.33। तो यानी ये होती है इकोनॉमी ऑफ स्केल, ज्यादा प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो अपना खर्चा जो है वो कंपेरेटिवली कम हो जाता है, ठीक है, तो अब आप उसको इजी कम रेट पे बेच सकते हैं, देयर बाय
बेनिफिटिंग द कंज्यूमर्स विदाउट ड्रिलिंग होल इन द पॉकेट ऑफ द प्रोड्यूसर सप्लाई एंड रिटेल, यानी सबको ही बेनिफिट हो रहा है, प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है, ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, कंज्यूमर को कम पैसे में मिल रहा है इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से, तो ये अपना रहा। नाउ 9B क्या है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है छोटा डिस्कशन। देखिए दो इंडिया अलाउड FDI इन व्हाट इज कॉल्ड मल्टी ब्रांड रिटेल थ्रू द ज्वाइंट वेंचर रूट इन सितंबर 2012 द FDI इवन आफ्टर ईयर हैज नॉट पिक्ड अप, डिस्कस द रीजन। देखो अभी उसी में ही पूछ रहे क्यों नहीं पिकअप कर पाए, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, गवर्नमेंट हर्डल्स हो सकते हैं, रेड टेपिज्म हो सकता है, अभी पहले सोच लो वही सारी चीजें रहेंगी, ठीक है, या जो ये पर्टिकुलर सेक्टर है उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो सकता है, उतना ट्रस्ट नहीं है कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से फायदा होगा, ठीक है, ये सारे के सारे हो सकते हैं। तो फिर जैसे वन विंडो जो हम बात करते हैं क्लियरेंसेस, वो सारे की सारी में भी ना हो, ठीक है, कंप्लायंस बहुत ज्यादा है, तो ये सारे के सारे रहेंगे, ठीक है। और फिर जैसे कुछ डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी वजह से भी कई जो कंपनीज हैं वो नहीं आती, ठीक है, ये रहेगा, तो ये पुराना है, ये रहेगा। एक ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है वो भी मान लो कम है, साई को अगेन याद रखेंगे, साई क्या है, एस फॉर सेविंग, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, ई फॉर एक्सपोर्ट्स, तो हमारी सेविंग्स कम है तो हम इन्वेस्ट भी कम कर पाते हैं, कम कर पाते हैं, कम प्रोड्यूस करोगे कम एक्सपोर्ट कर पाओगे, ये सारा भी लिंकेजेस है, तो आपका ओवरऑल ही नहीं हो पा रहा, जैसे कोरोना है तो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में भी आपका इश्यू चल रहा है, तो उसकी वजह से भी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, ये सब। नाउ लैंड एक्विजिशन एंड इसमें भी प्रॉब्लम रहती है, मान लो आपको लगाना है फैक्ट्री लगानी है, गोडाउन लगाना है, सरकारी लैंड एक्वायर करने नहीं पा रही तो दूसरे कैसे करेंगे, मल्टीपल क्लियरेंसेज हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज हैं, पहले हमारे लैंड के जो एक्ट था उसमें भी बहुत सारे कंपनसेशन वगैरह रहता था, उसकी वजह से भी इश्यूज आते थे, लेबर भी काफी स्ट्रिक्ट था तो उसकी वजह से भी बाहर से कंपनीज स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आना चाहती थी, ठीक है। ग्लोबल स्लोडाउन, अब ये हर जगह मोटा मोटा आप मेंशन कर सकते, इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल से लिंक करते हुए ये कॉमन सा है, पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडिया में पहले ज्यादा होती थी, अभी तो हमने मतलब इस चीज को काफी हद तक एड्रेस करने की कोशिश करी है एंड वी आर एबल टू एड्रेस, ठीक है। ऑल्सो जैसे रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कई बार हम लगा देते हैं तो कंपनी सोचेगी ये पहले के गड़बड़ घोटाले थे, अब नहीं होता उतना, कि भाई मान लो मैंने आया कमाया बट उस पर 5 साल पुराने पे ही टैक्स लगा दिया, आज टैक्स नहीं है तो वो उतना नहीं आ रहे, तो ये जनरल प्रॉब्लम्स थी एट दैट टाइम, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वैसे अपन जीएसटी को सेपरेटली देख लेंगे, अभी पुराना है थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, जीएसटी आते आते सारा सब कुछ डिस्कस हो जाएगा जीएसटी का, पर देखो अभी ये क्योंकि उस टाइम तक आया नहीं था, डिस्कस द रैशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी इन इंडिया, ब्रिंग आउट क्रिटिकली द रीजन फॉर द डिले इन द रोल आउट ऑफ इट्स रिजीम। अब देखो जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का यही है कि पहले तो हम टैक्स बेस जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट जो था उसको कम करना चाहते थे, जिससे कि कंज्यूमर के पास जो प्राइस जो है उसमें कम में वो आपको मिल सके, तो वो और ज्यादा इकोनॉमी को ग्रो करेगा, इनफॉर्मल इकोनॉमी आपके पास है उसको हम फॉर्मल इकोनॉमी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, टैक्स रेवेन्यू हम इंक्रीज करना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें अभी अपन देख रहे हैं, वन नेशन वन टैक्स रेजिम की तरफ अपन जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे रैशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी के, भाई मल्टीपल टैक्स स्ट्रक्चर है तो उसको अपने को सोल्व करना है, ठीक है, तो ये करा अपन ने इसीलिए। बट डिले क्यों हो रहा था, जैसे कोलिशन गवर्नमेंट वगैरह थी उस टाइम पे तो एक कंसेंसस बनाना पार्टीज में वो भी एक बहुत बड़ा इशू था, एंड जीएसटी आपको ध्यान हो तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है, मान लो सेंटर ने इंट्रोड्यूस भी कर दिया तो वहां पे 50% ऑफ द स्टेट्स जो है उनको भी पास करना था तो वो नहीं हो पा रहा, तो ये सारे इश्यूज थे मेजर डिले होने में पहले, क्योंकि हमारे लिए उस टाइम पे उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, बहुत कम ही कंट्रीज में था जिनसे हम लर्न कर सकते थे, ठीक है, तो वो सारे नुआंसेस जो आपके लॉ के रेगुलेशंस के होते हैं वो भी वर्कआउट करने में काफी टाइम लग रहा था, ठीक है। और एक नई चीज को तो लगता ही है, अब तो जीएसटी काफी हद तक वो हो चुका है, सब लोग समझ चुके हैं, ये सब जब इंट्रोड्यूस किया था सो रिमेम्बर कि बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे, बहुत सारे बिजनेसेस भी क्लोज हुए थे, बट दैट इज एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए न्यू रिफॉर्म, नई चीजें भी आपकी ग्रो करती हैं। अब देखिए अब यही है, जीएसटी जो है वो मल्टीपल जो टैक्स स्ट्रक्चर है सेंटर में स्टेट में उसको रिप्लेस करना चाहता था, सो इट इज नॉट ओनली डिजायरेबल बट उस टाइम पे हमारे इकोनॉमिकल एनवायरमेंट जो इमर्जिंग था उसके लिए जरूरी भी था, टैक्स कंप्लायंस को इम्प्रूव करेगा क्योंकि सारा का सारा फॉर्मल हो जा रहा है तो इजी टू मॉनिटर हो जाता है, टैक्स अवॉइडेंस को भी रिड्यूस करता है ये, मल्टीपल टैक्सेस रेस्ट्रिक्शंस जो थे विद इन कंट्री, ठीक है, उसको भी हम कम करना चाहते हैं, जैसे EU है उन्होंने किया था तो वो बहुत अच्छे से इसमें परफॉर्म कर पाए,
इससे इकोनॉमिकल एफिशिएंसी आपकी एनकरेज होएगी, ट्रेड कॉमर्स जो है वो ज्यादा ग्रो करेगा, जीडीपी डेफिनेटली ग्रो करेगी। देखो पैसा आएगा, कैपिटल आएगी, टैक्स आएगा, तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इट इज अ साइकिल। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगी, फिर उससे और पैसा आएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट। जैसे पहले वैट लगता था, ठीक है, तो 10 रुपए की चीज, 100 रुपए की चीज थी, 110 की हुई, 120 की हुई, 140 की आपको मिलती थी। बट अब क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो आपको कस्टमर तक देना पड़ता है, इफेक्टिवली वन ही टैक्स लगता है 18%, तो 118 में मिल जाएगी। एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपका रहेगा। ऐसे ही रिड्यूसिंग करप्शन एंड द ब्लैक मनी में भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि इनफॉर्मलाइजेशन से आप फॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। बट व्हाट वर द रीजंस, देखो इंटर स्टेट जीएसटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, कि जैसे कंज्यूमर जो स्टेट है अभी भी वही है, डेस्टिनेशन बेस्ड है, वहां पे जीएसटी मिलता है उसको, तो दूसरा स्टेट कह रहा था कि हमें क्यों नहीं मिल रहा, कैसे हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, ये भी इशू थे। जीएसटी काउंसिल की जो पावर्स थी उसमें सेंटर का ये बोला जा रहा था कि सेंटर का ज्यादा था, तो वो एक रिकमेंडेटरी बॉडी है ओनली। जुडिशियल पावर भी थे, मान लो कुछ स्टेट सेंटर में डिस्प्यूट होता है तो उसको भी ये देख रहे थे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी ये था, तो इसको कैसे करना है, तो उसको उन्होंने ये किया, 2/3 स्टेट्स को दिया, 1/3 सेंटर को दिया, और उसमें भी 3/4 का कंप्लायंस आपको जरूरी जरूरी चाहिए कोई भी रिफॉर्म पास करने के लिए, ठीक है। फिर रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है, कि ओवरऑल आपका टैक्स ज्यादा ना बढ़े और रेवेन्यू भी मेंटेन रह जाए, ठीक है। अगर मान लो टैक्स कम हो गया तो रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, और टैक्स ज्यादा हो गया तो भी रेवेन्यू कई बार कम हो जाता है क्योंकि कंप्लायंस आपकी डिक्रीज हो जाती है। एग्जम्पशन लिस्ट को लेके भी था, जैसे पेट्रोलियम, एल्कोहल, गैस वगैरह को एग्जम्प्ट रखा गया है अभी भी, तो वो भी कि किसको रखना है क्या नहीं, तो सेंट्रल जो है वो इसको इंक्लूड करना चाहता था, बट स्टेट जो है इनको काफी जो रेवेन्यू है वो इन्हीं से ही मिलता है, तो वो नहीं चाहते थे कि इसको यहाँ पे डाला जाए, ठीक है। तो ये इशू थे। रेट स्ट्रक्चर को लिए भी इशू था, कितनी आपको इसमें रेट स्लैब्स रखनी है, फ्लेक्सिबिलिटी किस हद तक हो सकती है, रेट्स कितने डेज में चेंज करे जा सकते हैं, तो ये सारे के सारे इश्यूज थे जिनको सोल्व करके जीएसटी अभी तो रोल आउट हो चुका है, तो ये अपना डिस्कशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राइट ए नोट ऑन इंडियाज ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर टू एलिवेट द प्रॉब्लम ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। देखो हमारे पास कन्वेंशनल एनर्जी है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के कंटेक्स में अगर अपन बात करते हैं मेजरली, या फिर पेट्रोल से आप ले रहे हैं, कोल से आप ले रहे हैं, नेचुरल गैस से आप ले रहे हैं, ठीक है, ये सारा का सारा हमारे पास है, या फिर न्यूक्लियर में भी थोड़ा सा है 2%, बट अभी तो अपना सोलार में भी आ गया, हाइड्रो में भी आ गया, विंड में भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी बढ़ चुका है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी ओवरऑल जो हमारा एनर्जी सेक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें रिन्यूएबल कितना आपका पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या था, कि रिन्यूएबल एनर्जी से जो हम ले रहे हैं उसको स्मार्ट ग्रिड से कनेक्ट करके सारा का सारा जो है उसको यूनिफाइड किया जा सके, मतलब वन नेशन वन ग्रिड का भी कंसेप्ट इसी में ही आता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट कर पाए, ठीक है। तो ये था। नाउ व्हाट इज ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, इट इज एम्ड एट सिंक्रोनाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलार विंड विद कन्वेंशनल। अभी क्या है, 60% आपका अभी भी कन्वेंशनल से ही है, 40% रिन्यूएबल से रहेगा, ठीक है। तो इनको अपन लिंक करना चाहते हैं, बट इसमें क्या है कि आप ये जो है ये डिस्क्रीट सा है, डिसेंट्रलाइज सा है, तो यहाँ पे हम सेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं। देखो कई जगह डिसेंट्रलाइजेशन सॉल्यूशन होता है, कई जगह सेंट्रलाइजेशन सॉल्यूशन होता है, तो हर जगह ऐसा नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन इज अ गुड थिंग, ठीक है। देखो ऑल्सो इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन की भी हम बात करते हैं, वन नेशन वन ग्रिड, उससे क्या होगा, ट्रांसमिशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन काफी एफिशियंट हो सकता है, ठीक है। कई स्टेट जहां पे ज्यादा मान लो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, लीकेजेस ज्यादा हो रहे हैं तो वो उतना सेव नहीं करता, उसको अपन कर दें कि भाई बहुत सारे स्टेट्स को आपका मिल जाए, ठीक है। तो ये सारा रहेगा। INST, तो ये पुराना प्रोजेक्ट था 2015, जैसे कि मान लो तमिलनाडु है, राजस्थान है, आंध्र है, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल, यहाँ पे आप रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, तो उसको लिंक किया जाए। फिर ऐसे ही ट्रांसमिशन लाइन है, सब स्टेशन है, उनको अच्छे से लिंक किया जाए। ये पुराने डाटा है, उसको अभी अपन नहीं देखेंगे, ठीक है। फंड वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा प्रोवाइड कराया जाए, लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाए, ताकि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अच्छे से वो किया जा सके। प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी, मान लो कोई नया प्रोजेक्ट आया रिन्यूएबल एनर्जी का, उसको अच्छे से एनालाइज करके अलाउ किया जाए, मॉनिटर किया जाए प्रोजेक्ट को, ठीक है। या फिर रिकमेंडेशन ऑन द डिस्पर्सल ऑफ सेंट्रल ग्रांट्स भी बहुत अच्छे से हो, ट्रांसमिशन यूनिट्स को, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स को, डिस्कॉम्स की जो हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें एक स्कीम भी है उदय स्कीम, ठीक है, उनको भी आप मेंशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स को बीच बीच में आपको मेंशन करना पड़ेगा एज एन एग्जाम्पल, ठीक है, चल रहा क्या, ये पुराना हो चुका है, उसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है कि अडॉप्शन, ओके क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि अडॉप्शन ऑफ पीपीपी मॉडल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द क्रिटिकल कंट्री हैज नॉट बीन फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल डिस्कस प्रोज एंड कॉन्स। पीपीपी पे आपके क्वेश्चन आए हैं, चार पांच क्वेश्चन आए हैं पिछले लास्ट 10 ईयर्स में, तो एक तो क्या क्या मॉडल्स हैं, क्या इसके फायदे हैं नुकसान है। देखो पीपीपी क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रहेगा, देखो पीपीपी मॉडल है तो इसमें एक तो मान लो कुछ पैसा कहाँ से आ रहा है, पब्लिक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ पैसा आ रहा है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, दोनों का रिस्क जो है वो कम हो जाता है, अट्रैक्टिव एक चीज बन जाती है, ठीक है। हो सकता है कि पूरा का पूरा फिजिबल ना हो प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो ये फायदा हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर क्या लेके आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज एफिशिएंसी, ठीक है, फास्टर टाइमली डिलीवरी, तो ये सारे फायदे हो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के। टेक्नोलॉजी लेके आता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर क्या लेके आता है, जैसे लैंड एक्विजिशन क्लियरेंसेस वो इजी हो जाती है, ठीक है, कलेक्शन इजी हो जाता है, सिक्योरिटी एक आपको मिल जाती है, तो एक अच्छा सा मॉडल रहता है पब्लिक प्राइवेट का। बट इसके नुकसान भी हैं तो उनको अपन देख लेते हैं। देखो पीपीपी इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि इट इज एन इफेक्टिव टूल फॉर ब्रिंगिंग प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी इन द क्रिएशन ऑफ द इकोनॉमी एंड द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट फॉर डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। बट हाँ, ऐसा भी बता सकते हो कि थोड़ा सा डिफाइन करके कि देर आर वेरियस मॉडल्स जिनके थ्रू हम पीपीपी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे BOT मॉडल है, HAM मॉडल है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी ये देखो पॉजिटिव क्या है, पहला तो इनको आराम से अपन समझ सकते हैं, कोई ज्यादा वो है नहीं, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए प्राइवेट सेक्टर कैन बी अवेल्ड विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट टू द प्राइवेट पार्टी। अब पहले क्या होता था, मान लो सारा का सारा ओनरशिप प्राइवेट के पास, नहीं, बट अब हम BOT और इन सब में क्या आता है, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास मेजोरिटीली रहती है, या फिर आफ्टर 5-6-10 ईयर्स आप उससे ले लेते हैं। बट देन नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप इनको दे देते हो, ठीक है, लेस थॉर्नी टू डेवलप एज कंपेयर टू अदर्स एंड कंसिडर्ड लेस कॉन्ट्रोवर्शियल। क्योंकि जैसे अगर मान लो एक प्रोजेक्ट है जो मान लो एक रोड है, वो पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर बना रहा है, लैंड एक्विजिशन पूरी प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, तो लोगों में ट्रस्ट नहीं आएगा, देर विल बी मैनी कॉन्ट्रोवर्सी। सरकार कहेगी कि सब सॉरी प्रोटेस्ट करने वाले ओपोजिशन कहेगा सारा का सारा पैसा किसको जा रहा है, आपका प्राइवेट प्लेयर्स के पास, तो बीच का रास्ता हो जाता है। इट इज गुड, लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर्स, बट एफिशियंट स्टाफ भी अपना मिल जाता है, तो दे कैन कैरी आउट टास्क, टाइमली हो जाते हैं, ठीक है। इंटरिम एग्रीमेंट्स आप बना सकते हो, उसमें बीच बीच में हम इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है, जो स्ट्रक्चर बनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब नीड बेस्ड टेलर मेड अप्रोच भी हम इसमें लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये कौन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया, फेज इन आप उसमें कोई भी इंक्रीज डिक्रीज करना है, ठीक है, या इन्वॉल्वमेंट प्राइवेट सेक्टर का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो अपन इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। पहले आपने 100% प्राइवेट सेक्टर को दिया, फिर आप 70%, फिर आप 50%, फिर लेटर ऑन हो सकता है कि सारा ही गवर्नमेंट एक्वायर कर ले, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रोग्रेस जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उसके हिसाब से आप करते जाओ, या फिर प्राइवेट सेक्टर ने मान लो टाइमली चीजें डिलीवर कर दी तो उनको और ज्यादा पैसे टाइमली मिल गए, तो और एफिशिएंटली वो लोग काम करते हैं, स्पीडी एफिशिएंटली, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है, पैसा उतना खर्च नहीं होता है। गवर्नमेंट में कई बार करप्शन का भी बहुत ज्यादा इशू होता है, प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट ओरिएंटेड ही रहता है, उन्होंने प्रॉफिट कमाया चल दिए, करप्शन फिर भी कम रहेगा, ठीक है। देखो वैल्यू फॉर मनी रहेगा फॉर द टैक्स पेयर्स, क्योंकि रिस्क भी ऑप्टिमल हो जाता है। मान लो सरकार अभी रिसेंटली जैसे बिहार में क्या हुआ था, एक ब्रिज बनाया, ठीक है, 10,000 करोड़, 77,000 करोड़, 7,700 करोड़ आई थिंक सब कुछ था उसमें, तो उतने ब्रिज भी बनाया, इतने साल भी लगाया, इतना टाइम और एनर्जी भी लगा, और वो गिर गया, ठीक है। बट अब वो रिस्क किसको ट्रांसफर भी हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर को भी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, बट वहां पे हो सकता है अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करते तो वो नहीं हो पाता। एफिशिएंसीज फ्रॉम इंटीग्रेटिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विद फाइनेंसिंग, आप देखो फाइनेंस ऑपरेशन मेंटेनेंस अपग्रेडिंग, अब इसमें जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा बेटर आउटकम रहता है, ठीक है, ये रहेगा। नाउ व्हाट आर द कॉन्स, नेगेटिव्स क्या है, एक तो देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है देन कन्वेंशनल प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन में रहता है, कई बार लीगल लिटिगेशंस भी बहुत सारी हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी, उनको ढंग से नहीं मिल पाता। लॉन्ग टर्म जो नेचर होती है उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो कई बार आपका नहीं आएगा, उनके लिए उतना ल्यूक्रेटिव उनको नहीं लगता, ठीक है, तो ये है। कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल कंटिजेंसीज ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड इवेंट्स दैट मे अराइज दैट वर नॉट एंटिसिपेटेड इन द डॉक्यूमेंट, तो इससे लिटिगेशन अगेन। मान लो 20 साल का कोई प्रोजेक्ट है,
आपने आज डॉक्यूमेंट बनाया, ये पांच कंडीशंस रखी, बट 5 साल बाद कुछ और हो गया, तो आप कैसे उसको मैनेज करोगे? कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे? तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। डेवलपमेंट, बिडिंग, ऑनगोइंग कॉस्ट जो है पीपीपी प्रोजेक्ट्स की, वो भी लाइकली टू बी ग्रेटर देन फॉर ट्रेडिशनल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, क्योंकि गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कितनी कॉस्ट है, क्या है वो, ठीक है। प्लस प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉफिट भी ऐड कर देता है, ठीक है। तो कई बार जैसे आपने देखा है, हाँ, इवन दो जो आपकी सर्विसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अच्छी बनती है, बट कॉस्ट भी अटैच्ड हो जाती है, और कई बार जो है वो महंगी भी हो जाती है, ठीक है। ये भी आपको चीजें समझनी, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, ये सारा का सारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए, ब्रिंगिंग आउट द सर्कमस्टेंसेस इन 2005 व्हिच पोस्ट अमेंडमेंट टू द सेक्शन 3D इन द इंडियन पेटेंट एक्ट लॉ 1970, डिस्कस हाउ इट हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जजमेंट इन रिजेक्टिंग नोवार्टिस पेटेंट एप्लीकेशन फॉर द ग्लिविक, डिस्कस ब्रीफली प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द डिसीजन। देखो हुआ क्या है, जैसे इंडिया, जैसे मान लो पेटेंट जब आपका दिया जाता है, 20 इयर्स तक आप उस पेटेंट पे काम करेंगे, वो आपके पास रहेगा, उससे सारा प्रॉफिट आप ही जनरेट कर सकते हैं, कोई उस प्रोडक्ट पे काम नहीं कर सकता, कर सकता है बट आपकी परमिशन के साथ, तो वहां से भी आपको प्रॉफिट मिल जाता है। बट हमारे यहाँ पे क्या है, पर अब क्या है, मोनोपोली हो जाएगी, आप सारा का सारा प्राइस जो है वो डिसाइड करेंगे। और कई बार आपने देखा होगा ड्रग्स का प्राइस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, पर वो कहते हैं कि हमने R&D लगाया है, पैसा लगाया है, तो हमें प्राइस तो मिलना चाहिए, गुड एनफ। बट इसमें होगा क्या, आप मान लो जो पुअर लोग हैं उनको नहीं मिल पाता, तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देके कुछ चीजें इसमें करी थी, वो अभी अपन देख लेते हैं। कि जैसे कंपलसरी लाइसेंसिंग की हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये सारा का सारा इसमें रहेगा, या एवरग्रीनिंग की हम बात करते हैं, ये मेजर इश्यूज हैं, इन दोनों के बारे में आपको पता भी होना चाहिए, ये है क्या, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, तो उन्होंने इनके पेटेंट के बारे में उतना अलाउ नहीं किया, इनको रिजेक्ट कर दिया था कि भाई अब इंडियन कंपनीज भी इसको कर सकती हैं। तो उससे हुआ क्या, प्रोडक्ट और ज्यादा बने और चीप बने, तो एक्सेस जो है वो बड़ी ड्रग्स की, जिसकी की रिक्वायरमेंट थी राइट टू हेल्थ के कंटेक्स में भी, ठीक है। देखिए अब इसमें देखते हैं, सेक्शन 3D जो था पेटेंट एक्ट का, इट अलाउड फॉर अ पेटेंट इन ड्रग ओनली इफ द मॉलिक्यूल डिस्प्लेज अ नोवल एंड अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी, पेटेंट कैन नॉट बी गिवन फॉर माइनर फ्रिवोलस चेंजेस। क्योंकि कई बार क्या होता है, 20 साल के बाद थोड़ा सा चेंज कर दिया, मान लो चार चीजें हैं ABCD से मिलकर बन रहा है, तो सी की जगह C2 यूज कर लिया है, तो वही ये कह देंगे कि जी नया प्रोडक्ट है, नो इट इज नॉट न्यू प्रोडक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं, आपका अभी खत्म हो चुका है, रहने दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया एफिशिएंसी को, इंटरप्रेटेड एफिशिएंसी टू मीन थेरेप्यूटिक एफिशिएंसी एंड नॉट जस्ट बायो अवेलेबिलिटी। सो इसकी नीड थी टू प्रिवेंट फ्रिवोलस पेटेंटिंग, कि आप एक ही पेटेंट को बार बार कर रहे हो तो उससे फायदा तो नहीं हो रहा। आप पेटेंट एवरग्रीनिंग, इसी को ही बोलते हैं एवरग्रीनिंग, कि जो पेटेंट है उसी को थोड़ा सा शुगर कोट करके हमने वही प्रोडक्ट दोबारा से दे दिया, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये रहेगा, वेयर ड्रग मेकर्स दे रिन्यू देयर पेटेंट्स ऑन ड्रग बाय फ्रिवोलस इंक्रीमेंटल चेंजेस, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहते थे, ये अमेंडमेंट आपका किया गया। जैसे इंडिया जो है, सर्कमस्टांसिस क्या रहे, इंडिया जो है इट बिकेम, जो पेटेंट एक्ट में था अपना, बिकेम अ मेंबर ऑफ WTO और हमने साइन की थी ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो अपने एग्रीमेंट है वो है, तो उसमें हम इसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो इट रिक्वायर्ड टू अमेंड इट्स पेटेंट लॉ टू ब्रिंग इन प्रोटेक्ट पेटेंटिंग कंपल्सरी लाइसेंसिंग एक्सेट्रा एंड मेक देम ट्रिप्स कंप्लायंट। तो ये अपने लाए गए थे कंपल्सरी लाइसेंसिंग भी, ठीक है। इसको जैसे कि आप कंपनी की परमिशन से ही लाइसेंस लेके बना सकते हैं, बट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस अगर गवर्नमेंट है तो वो किसी दूसरे को लाइसेंस दे सकती है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ फ्रॉम पेटेंट एवरग्रीनिंग, सेक्शन 3D जो है अमेंडेड टू से दैट द पेटेंट कैन बी गिवन ओनली फॉर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एफिशिएंसी। मान लो एफिशिएंसी 20% है, आपने कहा कि जी 20.2% होगी है, 20.5% होगी, नो। तो ये अगर आपने 20 से 25% इंक्रीज करके दिखाया तभी हम नया पेटेंट आपको देंगे। इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, देखो पहले तो स्ट्रिंजेंट कंडीशंस आ गई हैं पेटेंटेबिलिटी के लिए, ठीक है, एंड दीज आर फॉलोड इन मैनी ज्यूरिसडिक्शन अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो। इंडिया भी अब इसको फॉलो करने लग गया है, तो हम उनके एट पार आ गए हैं, ठीक है। अब देखो जो प्राइस था, ह्यूज प्राइस डिफरेंस बिटवीन द पेटेंटिंग ग्लिविक ऑफ द नोवार्टिस एंड द जेनेरिक वर्जन ऑफ सिप्ला। मान लो सिप्ला उसी ड्रग को, जो ये एंटी कैंसर ड्रग थी फॉर एग्जाम्पल, वो ये बेच रहा है 1 लाख में,
को सिप्ला प्रोड्यूस करके बेच रहा है 1,000 में, तो अब ये तो 100 टाइम का वेरिएशन आ गया, पेशेंट ज्यादा खरीद पाएंगे, ज्यादा बेटर कंप्लायंस हो पाएगा, अच्छे से लेंगे, हेल्थ इंक्रीज हो पाएगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चीजें थी इसके, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये फायदा हो रहा था। स्ट्रिक्ट पेटेंट रिक्वायरमेंट से होगा कि एक्चुअल जो इनोवेशन है उसमें एनहांसमेंट होगी, R&D में आप ज्यादा लगाओगे, नहीं तो पहले क्या करता था, थोड़ा मोड़ा चेंज किया, R&D में लगाया और ये सब वो सब कर दिया, ठीक है, वो नहीं चाहिए। बट इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जैसे कि पेशेंट्स के लिए एक सेटबैक रहेगा, क्योंकि मेडिकल जो प्रोग्रेस है डिजीज की विदाउट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन आपकी चल रही है, सो इट विल हिंडर द मेडिकल प्रोग्रेस, यानी आप ज्यादा R&D और वो सब नहीं हो पा रहा, एफिशिएंसी उतनी है, ठीक है, तो ये रहेगा। फिर इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन कोर्ट्स दे कम डाउन ऑन द साइड दैट डज नॉट रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ इनोवेशन एंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बट ऑन द अदर हैंड देखिए बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वी आर ए कंट्री जहाँ पे वी वैल्यू वेलफेयर मोर देन प्रॉफिट, वो होना भी चाहिए। अभी तो थोड़ा सा कैपिटलिज्म और वो सब भी हो रहा है, बट बैलेंस तो जरूरी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये सीधा सीधा एक डायरेक्ट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ये अभी इकोनॉमी चल रहा था लगभग लगभग, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय FDC, फिक्स डोज ड्रग कॉम्बिनेशन, डिस्कस मेरिट डिमेरिट। होता क्या है, मान लो एक ड्रग है, ड्रग ए ड्रग बी, अब इनमें अपन अलग अलग लेते हैं, मान लो एक बीमारी में आपको ड्रग ए भी लेनी है बी भी लेनी है, कॉमनली यूज ड्रग्स है, तो इन्होंने क्या किया, फिक्स्ड डोज, जनरली मान लो मैं ए की लेता हूँ 10 यूनिट्स, बी की लेता हूँ 5 यूनिट्स, तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना दिया। अब क्या है, उससे कंप्लायंस बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीबी है, टीबी में आपको 5-6 ड्रग्स लेनी पड़ जाती है, तो उसमें इन्होंने मिला के एक ड्रग बना दी या 2 ड्रग बना दी, तो उससे क्या होगा, पेशेंट के लिए इजी हो जाएगा उसको लेना, ठीक है, मॉनिटर करना भी इजी हो जाएगा, थोड़ा सा प्राइस भी डिक्रीज हो जाता है, कंप्लायंस बढ़ेगी, हेल्थ बढ़ेगी, ये सारी चीजें रहेंगी। तो आपको इसके बारे में ही बताना है कि FDC है क्या, मेरिट क्या है, डीमेरिट्स क्या है, ठीक है। डीमेरिट बेसिकली यही है कि उतना हमने क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह नहीं किया, हमें नहीं पता है कि एक्चुअल जो बेनिफिट है वो कितना होना है, या होना भी है या नहीं भी होना, ठीक है। ना देखिए कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट जो है उनको हम बोलते हैं FDG, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एक्टिव ड्रग्स इन अ सिंगल डोजेस फॉर्म, सो इट इज अ वाइडली एक्सेप्टेड दैट मोस्ट ऑफ द ड्रग फॉर्मुलेटेड एज सिंगल कंपाउंड ABC, बट जैसे फिक्स रेशियो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट दे आर एक्सेप्टेबल ओनली वेन द डोजेज ऑफ ईच इनग्रीडियंट्स मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफाइंड पॉपुलेशन ग्रुप एंड वेन द कॉम्बिनेशन हैज प्रूव्ड एडवांटेज ओवर अ सिंगल प्रोडक्ट, जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है थेरेपेटिकली, उसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है, सेफ्टी है, कंप्लायंस है, वो उससे ज्यादा रहे, ठीक है। जैसे मान लो डाइक्लो पैरा, इनको कंबाइन करके कई बार दिया जाता है, ठीक है, तो उसको कर लिया इस टाइप से। FDG इज हाईली पॉपुलर इन इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट, तो ये काफी फ्लरिश भी कर रहा है। इसके पीछे जो रैशनैलिटी है, इट इज बेस्ड ऑन द एस्पेक्ट कि ड्रग इन द कॉम्बिनेशन एक्ट बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, फार्माकोकाइनेटिक्स मस्ट नॉट बी वाइडली डिफरेंट, कॉम्बिनेशन शुड नॉट हैव सुपरा एडिक्टिव टॉक्सिसिटी, यानी ये चीजें क्या है। देखो एक तो तभी आप FDC बना सकते हो जब ड्रग ए और बी अलग अलग मैकेनिज्म से काम कर रही हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते, तो ड्रग अपना काम करेगी, अपना काम करेगी, मान लो सेम मैकेनिज्म से काम कर रहे हैं, तो या तो ये अटैच होगा या ये अटैच होगा, तो हम उनको साथ साथ यूज नहीं कर सकते, कभी वो यूज कर ली या वो यूज कर ली, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको मिला दोगे तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही फार्माकोकाइनेटिक्स भी मस्ट नॉट बी वाइडली डिफरेंट, ठीक है, मतलब एक साथ काम वो कर पाए, और ऐसा भी ना हो कि दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर एक टॉक्सिक बना दे, साइड इफेक्ट्स बढ़ जाए, ठीक है, मान लो साइड इफेक्ट आ रहे हैं, हेडेक आ रहा है, नोजिया आ रही है, वोमिटिंग आ रही है, एब्डोमिनल पेन आ रहा है, या ब्लीडिंग हो जा रहा है, तो अगर दोनों के मिलके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हो जाए कि वो यूजेबल ही ना हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स, देखो इंडिया में जो NSAID प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है, जैसे अपन ने ऊपर बताया डाइक्लोपीन एक्ट, ठीक है, या फिर पैरासिटामोल, तो ये ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं, आप गए कि जी सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, या फिर ये आपको मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इरेशनल FDCs कई बार बन जाते हैं, तो उसमें अननेसेसरली फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है कंज्यूमर पे भी, क्योंकि हमने उसको टेस्ट भी नहीं कर रखा उतना अच्छे तरीके से कि आप जो 3 कॉम्बिनेशन दे रहे हो, डॉक्टर्स भी बहुत यूज करते हैं इसको, उसका कितना एफिकेसी है, ठीक है। अब वो 3 को बनाने में ऑब्वियसली पैसा ज्यादा लगेगा, वही ड्रग हो सकता है आपको 2 रुपए में मिल जाए, वो 5 में मिल रही है, ठीक है, सामने वाला कहेगा कि जिसमें तो आपको 3 मिल रहे हैं, बट क्या 3 का काम भी है, सो दैट इज द थिंग। जो डोजेज अल्टरेशन ऑफ वन ड्रग, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट अल्टरेशन ऑफ द अदर ड्रग, ठीक है,
तो एक को बढ़ाओगे तो दूसरे को भी इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि उनका जो रेशियो है वो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब किस रेशियो में वो बेस्ट काम कर रही है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मान लो 500 मिलीग्राम एक का मिला दिया, ये 5 मिलीग्राम के साथ दूसरे का है, तो ये अच्छे से काम कर पा रही है। बट अगर मान लो कहीं पे 10 मिलीग्राम देने की आवश्यकता है तो आप FDZ वहां पे यूज नहीं कर सकते, और अगर कर रहे हो तो यहाँ पे 500 जा रहा है, बट उसके साथ आपके ये 1000 चला जाएगा। बट मुझे तो ये चाहिए नहीं, मुझे तो 500 ही चाहिए। तो उसमें फिर आपके लिए सिंगल ड्रग्स आर द बेस्ट थिंग। यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट के भी अलग अलग के मिलकर काम करेंगे तो वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो देर आर मैनी कंसर्न कि रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा, पेशेंट को अननेसेसरी रिस्क से आप एक्सपोज कर रहे हो। स्पेशली क्लिनिकल ट्रायल जो है इन ड्रग्स की उतनी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेक्सस जो है वो मेजरली काम करता है फार्मास्यूटिकल का, ठीक है। और ऑल्सो एक्चुअली हम इनको एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। इंडिया इज अ बिग हब, थर्ड लार्जेस्ट फार्मा इंडस्ट्री है हमारी, ठीक है, जेनरिक में लार्जेस्ट है हम। तो उस कंटेक्स में हमारे लिए काफी चीजें ये हो जाती हैं कि हम इसको बेस्ट कैसे किया जा सकता है। तो मॉनिटरिंग, कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम ज्यादा नहीं देखेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम इन द क्रिकेट? डिस्कस इट्स वेरियस कंपोनेंट। एक्सप्लेन कैसे कि सिलिकॉन टेप ऑन द एज ऑफ द बैट मे फूल द सिस्टम। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे UDRS जो सिस्टम है अभी पुराना है, ये डायरेक्टली उतना अपने काम का है नहीं। यहाँ पे प्लेयर जो है दे कैन चैलेंज, तो इसमें इसको रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। दे कैन चैलेंज ऑन फील्ड, अंपायर ने मान लो डिसीजन दिया कि भाई आउट हो, ठीक है। तो ऑन फील्ड अंपायर डिसीजन, टू अनसक्सेसफुल रिव्यू ईच टेस्ट इनिंग, वन अनसक्सेसफुल रिव्यू ईच ODI में आपको मिलेगा, ठीक है। मान लो आपने रिव्यू किया, आपने कहा कि भाई मैं आउट, अंपायर ने दिया आउट, आपने कहा मैं नॉट आउट हूँ, आपका ठीक आ गया तो आप अगला भी रिव्यू कर सकते हो, बट आपका वहां पे गलत हो गया तो आपको नहीं मिलेगा फिर अभी, ठीक है। वेरियस टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज कर रहे हैं थर्ड अंपायर के लिए के डिसीजन और ज्यादा बनाया जा सके। स्नेक मीटर, फोर्स स्पॉट, हाउ की अपने को कुछ नहीं देखना। सिलिकॉन टेप एक होती है बैच बैच के, इसमें वो इंटरफेयर करती है एक्चुअली विद द हीट सिग्नेचर, क्योंकि कई बार जैसे आपने देखा वो टक करके जाती है, उसको वो मेजर करते हैं कि हीट जनरेट हुई क्या, साउंड जनरेट हुई क्या, ठीक है, साउंड से हीट जनरेट होती है। तो ये सारी चीजें देखते हैं, अभी काम का है नहीं। अगला देखिए, ये भी अगेन पुरानी स्कीम है वैसे, बट पूछी भी गई थी तो इसको तो देख लेते हैं। व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, व्हाट डज इट्स ऑथेंटिकेशन मीन, इसके क्या वेरियस सेलियंट बिल्ट इन फीचर्स हैं ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, मान लो कोई प्रोडक्ट स्कीम गवर्नमेंट की आई है तो आपसे डायरेक्टली पूछ ली है क्या क्या नहीं है, तो डायरेक्टली आप आंसर करोगे, ज्यादा इसमें एनालिसिस है नहीं। तो डिजिटल सिग्नेचर मान लो जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, उसको आपने आपने एक डिजिटल सिग्नेचर बनवा लिया, आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बार 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 बार। जैसे आप कोई सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तहसीलदार की, तो वहां पे आपके डिजिटल सिग्नेचर यूज होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं बार बार तहसीलदार उसको सिग्नेचर करने बैठेगा, वो बना लिया उसको वहीं पर यूज किया जा सकता है, उसका ऑथेंटिकेशन होगा, ठीक है। तो उस डिजिटल सिग्नेचर का ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं भी कैसे भी यूज कर लेगा, ठीक है। सो दिस इज तो इट इज यूज फॉर वेरीफाइंग ऑथेंटिसिटी ऑफ द सेंडर इन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इन डिजिटल सिग्नेचर एक प्राइवेट की होती है ऑफ द सेंडर, इट इज यूज टू एनकोड अ मैसेज, एंड रेसिपेंट जो है वो इसको यूज करता है द पब्लिक की ऑफ द सेंडर टू डिकोड इट। अगर मैसेज डिकोड हो जाता है सक्सेसफुली बाय द पब्लिक की ऑफ द सेंडर, देन इट मींस दैट इट एनकोडेड ओनली बाय द प्राइवेट की ऑफ द सेंडर, हेंस द सेंडर हिमसेल्फ कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लो तहसीलदार, अब वहां पे जो डिजिटल सिग्नेचर हुआ है उसका एक नंबर होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो UPSC में आपने वो अपनी सर्टिफिकेट सबमिट करी, UPSC उस नंबर को भेजेगी अपनी वेरिफिकेशन एजेंसी के पास, वो नंबर से वेरीफाई होगा कि भाई हाँ पर्टिकुलर गवर्नमेंट एजेंसी में इस नंबर पे ये सिग्नेचर है या नहीं है, तो वो वेरीफाई हो गया। मान लो नहीं है तो वेरीफाई नहीं होगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। नाउ व्हाट आर द फीचर्स, देखिए कंक्लूसिवली एस्टेब्लिशेस ओनली द सेंडर्स की, सेंड द मैसेज एंड हेंस फंक्शन एज सिग्नेचर, ठीक है। मतलब जैसे की आपकी जो भेजी जा रही है सिक्योर्ड की, ठीक है, तो प्राइवेट की होती है वो पब्लिक में सबके पास जाती है, बट उसको इंश्योर करने के लिए वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंटिटीज ही उसको देखेंगी, ठीक है। प्राइवेट से एक पब्लिक की बनेगी, पब्लिक की तो सबके पास आ गई, बट पब्लिक की को ऑथेंटिकेट करने का रास्ता प्राइवेट की के थ्रू रहता है, ठीक है, ये रहेगा। सेफ्टी अच्छी खासी, रिलायबिलिटी बहुत ही ज्यादा है इसमें। ओनली द पब्लिक की शेयर्ड विच डज नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द सेफ्टी ऑफ द मैकेनिज्म, ठीक है। ये छोटा सा था, ज्यादा कुछ था। क्वेश्चन नंबर 16B, तो ये छोटे छोटे होते हैं 5-5 नंबर के। हाउ डज 3D प्रिंटिंग, ये पहले ज्यादा आते थे, अभी तो हमारे पास 10 मार्कर या फिर 12.5 मार्कर या फिर 15 मार्कर क्वेश्चन ही हमारे रहते हैं। हाउ डज 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इट वर्क, लिस्ट आउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी।
अभी 3D है, 4D पे भी बात चल रही है, तो 4D के कंटेक्स्ट में आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। पहले आप डिफाइन करेंगे कि 3D यूजेस कंप्यूटर एडेड डिजाइन, पहले तो वो प्रिपेयर करता है द मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी प्रिंटेड, देन यूजेस लेयर्स ऑफ स्पेशल प्लास्टिक इन एन एडिटिव प्रोसेस टू बिल्ड द होल प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हम 3D प्रिंटिंग से बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं ताकि बार बार हमें कैरी ना करना पड़े। ठीक है, अब देखो उसमें क्या होता है, एक लेयर बनती है फिर दूसरी लेयर बनती है, प्लास्टिक आते रहते हैं, एड ऑन होते रहते हैं। ठीक है, तो वो मूर्ति बनानी, मूर्ति बन जाएगी, ऐसा रहेगा। तो कंप्यूटर में फीड किया, बन गया, आपने पढ़ रखा होगा इसके बारे में। व्हाट आर द एडवांटेजेस, पहला आप कोई भी शेप साइज प्रिंट कर सकते हैं इजिली, यस फास्ट है, कॉस्ट जो है वो काफी कम हो जाती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाती है बनाने की भी। फिर जैसे ISS में बनाया था, तो अब सारे प्रोडक्ट अर्थ से नहीं लेके जाने, आप वहीं बना लो। मास कस्टमाइजेशन भी पॉसिबल है, ठीक है, 3D प्रिंटिंग, मान लो मैं यहाँ पे बना लो, मैं प्रोडक्ट लेने के लिए कॉमन प्रोडक्ट्स लेने के लिए मुझे मार्केट में ही ना जाना पड़े, तो वो फायदा हो जाएगा। बट डिसएडवांटेज क्या है इसका, हो सकता है कॉस्ट आपकी उसकी लॉजिस्टिक तो कम हो जाए बट उसकी कॉस्ट अभी भी एक्सपेंसिव है, वाइडली उतना यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी, आप अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट तो सिर्फ मैन्युफैक्चर क्या होगा, 3D प्रिंटर, पहले जो बहुत सारे बन रहे थे वो नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17A देखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखेंगे। व्हाट इज FRP कंपोजिट मटेरियल, हाउ आर दे मैन्युफैक्चर, डिस्कस देयर एप्लीकेशन इन एविएशन एंड ऑटोमोबाइल। ये भी एक डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है, पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। FRP क्या है, फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक पॉलीमर, काफी स्ट्रेंथ वाइज अच्छा होता है, लाइट मटेरियल होता है इसलिए यूज किया जाता है, ये कंपोजिट मटेरियल है, पॉलीमर है, मैट्रिक्स रीइंफोर्स विद फाइबर्स। फाइबर जो है यूजुअली आपके ग्लास, कार्बन, बेसाल्ट, ठीक है, एरामिड, इन सब के होते हैं, अदर फाइबर्स भी होते हैं जैसे पेपर, वुड, एस्बेस्टोस के भी कई बार यूज कर लिए जाते हैं। तो इसमें जैसे अपन ने मैन्युफैक्चरिंग की, तो पहले तो ये ज्यादा ही हुआ है कि भाई जो फाइबरस मटेरियल है, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस जो फाइबरस मटेरियल है मैन्युफैक्चर किया जाएगा, फॉर्म किया जाएगा, फिर देन उसको बॉन्डेड विद मैट्रिक्स, मोल्डिंग वगैरह जब चल रही है तो ये ज्यादा कुछ नहीं देखना। हाँ, मतलब अलग अलग जैसे फाइबर्स हैं उनको मोल्ड कर दिया, बेंड कर दिया और उनको मिक्स कर दिया, आप उनको रीइन्फोर्स कर दिया उसमें और कुछ चीज ऐड करके, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल आपने उससे कोई चीज बना ली। एविएशन में क्या है, स्ट्रेंथ अच्छी मिल जाती है, मेटलिक एलॉय, लाइट वेट रहेगा तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, इसलिए अपन इसको यूज करना चाहते हैं। स्पेस में भी इसकी एप्लीकेशन अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17B, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। देखो ये रिवर बह रही होती है, इसमें या तो एक बड़ा सा डैम बना दो या फिर आपने छोटे छोटे इसमें रन ऑफ रिवर यानी जो बहता हुआ पानी है उसको उसकी स्पीड के हिसाब से ही हम अपन यूज कर ले, बहुत सारे छोटे छोटे मशीन लगा दी, उससे होगा क्या कि आपका पानी भी बहता रहेगा, स्टेगनेंट नहीं होगा, आपकी लाइफ जो है साइकिल, लाइफ साइकिल जो फ्रेश वाटर का वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, तो इसलिए रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट अपने बनाए जाते हैं। इट इज हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसमें क्या है कि स्टोरेज है, बिग स्टोरेज है, तो काफी कुछ एरिया वाटर सबमर्ज हो जाता है, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे आपको डैम बनाने में बहुत सारा पैसा लगेगा, यहाँ पे उतना नहीं लगता। ठीक है, पॉपुलेशन को आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा बड़े प्रोजेक्ट में, यहाँ पे उतना नहीं करना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे पानी जो है स्टोरेज हो रहा है तो आप कैनाल फ्लड वगैरह मिटिगेशन कर सकते हैं, यहाँ पे आप नहीं कर सकते, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेते हैं, रन ऑफ रिवर जो है ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, वाटर स्टोरेज कोई भी अपन यूज नहीं करते, दे डो नॉट स्टोर वाटर एट ऑल, लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज होता है, वो अपना चलता रहता है। ठीक है, पॉन्ड में अ प्लांट विदाउट पॉन्डेज नो स्टोरेज, ठीक है, सीजनल जैसे रिवर फ्लो बढ़ता है उस टाइम पे जो इंटरमीडिएट एनर्जी सोर्स अपन जनरेट कर लेते हैं कि मान लो फ्लो ज्यादा बढ़ जाएगा, टर्बाइन ज्यादा मूव कर सकती है, उस टाइम पे वो डाल दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो ऐसा रहेगा, डिफरेंस वही सारा का सारा है जो अपन ने डिस्कस किया। डिजाइन जो है वो अलग है कन्वेंशनल से, ठीक है, स्टोर करके जो रखना पड़ रहा है, फ्लडिंग वाला जो हो गया ये अपन ने देख लिया। एनवायरमेंट फ्रेंडली या ग्रीन पावर के कंटेक्स्ट में हमारे स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी हैं, रिवर रन ऑफ प्रोजेक्ट्स भी हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपैरेटिवली ज्यादा रहेंगे, क्योंकि इकोसिस्टम जो है वो अपना मैनेज्ड रहता है। ठीक है, उतने ज्यादा चैलेंजेस हमारे यहाँ पे नहीं होते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर व्हाट आर द की एरियाज दैट यू विल फोकस ऑन ए डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। देखो सिस्टम बनाना है, ठीक
सिस्टम क्या है, मान लो एक कंप्लीट सिस्टम है, तो किसी भी डिजास्टर को ले लो, मान लो अर्थक्वेक है, तो पहले तो आई शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये एक, मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, उसके बाद अपन इसको डिस्कस कर लें, आइडेंटिफाई कि कब अर्थक्वेक आएगा, कितनी इसको क्वांटिफाई भी कर पाए, कितना आएगा, कितना उसका डैमेज हो सकता है, ठीक है, उसको फिर प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, प्रिवेंट इन द सेंस मतलब मान लो साइक्लोन आ रहा है तो हमने लोगों को मूव करना है वहां से, तो वो कैसे किया जा सकता है, ठीक है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, ये सब अपने को देखना है, मिटिगेशन, चीजों को कैसे कम से कम किया जा सकता है, ठीक है, फिर मान लो आ गया है तो डैमेज कैसे मिनिमाइज किया, वो हो गया पहले, आते टाइम अपन कैसे मैनेज करेंगे चीजों को, लोगों को फूड देना है, वाटर सप्लाई देना है, कैंप्स बनाने हैं, ये सब कैसे करना है आपको, ठीक है, या जैसे अर्थक्वेक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है, उसके रूल रेगुलेशन ये सब आप कैसे करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हमारी फोर्सेज हैं, या फिर कम्युनिटी में अपने को कैसे ट्रेन करना है, कम्युनिटी को कैसे अवेयर करना है, तो मैं ये सारी चीजें देखूंगा, तभी तो एक होलिस्टिकली हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बन पाएगा, तो ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है, कैसे हमें वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करना है, रिस्क मैनेजमेंट रखना है, आप एक अच्छा खासा मैप आपके पास होना चाहिए, ये एरिया इस डिजास्टर के कंटेक्स्ट में ज्यादा वल्नरेबल है, ये कम वल्नरेबल है, तो फोकस कहाँ पे रखना है, कहाँ पे कम रखना है, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें, कहाँ पे फोर्सेस को तुरंत डिप्लॉय करना है, कहाँ पे जैसे मान लो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का आपको अगर एफिशियंट मिला जुला के काम करना है, तो वो किस तरीके से अपन कर पाएंगे, ये सारी की सारी चीजें अपने को करनी है, जिससे कि हम एक बहुत अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम बना पाएंगे। फिर लास्ट में जैसे रिहेबिलिटेशन कैसे करना है, वो सारी की सारी चीजें, रीसेटलमेंट अपने को कैसे करना है, ठीक है, फाइनेंस अगर कुछ देना है तो वो, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ क्रिएट करनी है तो वो, तो ये सारा का सारा रहेगा, यही चीजें इसी में ही है। पहले आप डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन ऑफ द हैजार्ड कितना है, एक्सपोजर कितना रहेगा, वल्नरेबिलिटी कितनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रिवेंट करने के लिए सरकार ने भी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल लेवल पे अथॉरिटी बना रखी है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमेटी अलग है, तो पहले तो आप करोगे रिस्क असेसमेंट, व्हाट इज द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द रिस्क, हम हैजार्ड को एनालाइज करेंगे, इवेलुएट करेंगे, पीपल प्रॉपर्टी सर्विसेज लाइवलीहुड सारी चीजें देखेंगे, कितना इफेक्ट होगा कितना इफेक्ट नहीं होगा, जैसे फार्मर्स का लाइवलीहुड कितना इफेक्ट होगा, फिशर्स का लाइवलीहुड साइक्लोन में कितना इफेक्ट होगा, ये सारा का सारा अपन देखेंगे। सो वी हैव टू डू अ कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट जो कि मैग्नीट्यूड को भी इंप्लीमेंट करें, सॉरी असेस करें, लाइवलीहुड का कितना लॉस हो सकता है, किन किन की जॉब जाएंगी उसको भी देखें, ऑल्सो कॉजेस को भी देखें, इम्पैक्ट को भी देखें, ये सब, तो ये रिस्क असेसमेंट हमारा एक, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिसीजन एंड द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस एंड इट रिक्वायर्स क्लोज कोलैबोरेशन अमंग वेरियस पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जैसे अपन ने देखा, ठीक है, ऊपर। नाउ व्हाट आर द की एरियाज, पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन, ठीक है, उसमें क्या नीड है, क्या गैप्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिससे कि हम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को अवॉइड कर सके, व्हाट इज द एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड द कैपेबिलिटीज, ठीक है, मान लो हमें 100 चीजें चाहिए, हो सकता है 70 चीज हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो पहले तो उनको आइडेंटिफाई करो 30 क्या चीजें हैं, ताकि उन्हीं पे अपन काम करें, ऐसा नहीं 100 का 100 को दोबारा से बनाए, हैजार्ड असेसमेंट हम करेंगे टू आइडेंटिफाई नेचर लोकेशन इंटेंसिटी एंड कि भाई लाइकलीहुड कहाँ कहाँ पे ज्यादा हैजार्डस रहेगा कम्युनिटी पे, ये अपन देखेंगे, सारा डिस्कशन वही है जो ऊपर अपन ने बातें करी, ठीक है। एक्सपोजर असेसमेंट आप करोगे कि कौन सी पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट रहेगा, कौन सी रिस्क पे है, ठीक है, कौन कौन से एरिया है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस अपन करेंगे, ठीक है, कौन विदस्टैंड कर सकता है, कहाँ पे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, लॉस एंड इम्पैक्ट एनालिसिस अपन करेंगे, ठीक है, देखो लाइव लॉस कितना हो सकता है, फाइनेंस लॉस कितना हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस कितना हो सकता है, लाइवलीहुड लॉस, प्रॉपर्टी लॉस, एनवायरमेंटल लॉस, ये सारा अपन देखेंगे, रिस्क प्रोफाइलिंग कर लिया, इवेल्युएशन कर लिया, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव रिस्क रिडक्शन अपन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंटिव में भी और बाद में भी, ठीक है, ये सारा का सारा रहेगा। जैसे अपन ने बात करी थी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग पहले ही बना दो, ज्यादा कुछ रिस्क रहेगा ही नहीं, रिड्यूस कर दिया। फॉर्मुलेशन ऑफ रिवाइज्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है, एक्शन प्लान कैसे बनाना है, ठीक है, लोगों को मोबालाइज कैसे करना है, अवेयर कैसे करना है, रिसोर्सेज कहाँ पे देने हैं, किसको देने हैं, ये सारा का सारा ही अपना रहेगा, इसमें बहुत सारी चीजें लिखने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो वेबसाइट है उस पर आप जाके एक छोटी सी इनकी बुकलेट रहती है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें साइक्लोन, डिजास्टर मैनेजमेंट सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा दे रखा है, NDMA की गाइडलाइन। देखो क्वेश्चन नंबर 19,
What are the consequences of the illegal mining? Discuss the Ministry of Environment Forest का concept go and no go zone. देखो illegal mining है, अब mining के ही consequences अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. पहला तो illegal है mining आप कर रहे हो, mining के economical consequences, environmental consequences, गलत तरीके से करोगे, illegal करोगे तो ठीक है. इस तरीके से बात, individual पे impact हो सकता है, society पे impact हो सकता है, ठीक है, economy पे impact हो सकता है, government को losses हो सकते हैं. तो ये हो गए consequences. इसमें नुकसान बहुत ज्यादा होता है फॉरेस्ट में, जैसे किसी में भी फॉरेस्ट में, रिवर में, तो वहां पे बहुत सारा नुकसान हो जाता है. तो इसमें अपने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गो नो गो, नो गो इज लाइक बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे अपन ने कोर एरिया सुनते हैं हम नेशनल पार्क के कॉन्टेक्स्ट में, तो वैसे इसमें कंसेप्ट बनाया गया माइनिंग के लिए कि भाई फॉरेस्ट हमें प्रोटेक्ट करने बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे हमारे पास गैदगिल कमेटी आई थी, कस्तूरीरंगन कमेटी आई थी, उन्होंने भी यही बोला था कि अलग अलग एरिया आपको बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड रखने हैं ताकि फॉरेस्ट रिसोर्सेज का हम बेस्ट से बेस्ट जो यूटिलाइजेशन है वो कर पाए. ठीक है, तो ये सारा का सारा अपना रहेगा. ये यहाँ पे हो गया, देखो MOEF, अब इसमें देख लेते हैं. सो ऑन द सजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल 2010-11 में ये लेके आए थे कि भाई जो भी हमारे 9 मेजर कोल फील्ड हैं, थैलचर, ठीक है, आईबी वैली, मंडी रायगढ़, सोगापुर, वर्धा, सिंगरौली, करनपुरा, वेस्ट बोकारो, हाशीदेव, ठीक है, हसदियो. अच्छा ये बताना, जो प्री के काफी स्टूडेंट होंगे मे बी अगर आप ये देख रहे हैं तो हसदियो हमने देखा था कि कहाँ पे है, प्री के टाइम पे मैंने मैप वाली जो क्लास है उसमें आपका करवाया था. ठीक है, ये आपके प्री में भी पूछे जा सकते हैं. तो हमने देखो इनको बनाया, क्लासिफाई किया. तो जो ग्रोस्ड फॉरेस्ट कवर अगर आपका 30% से ज्यादा है एंड वेटेड फॉरेस्ट कवर 10% से ज्यादा है तो हमने उसको कैटेगरी ए नो गो एरिया में बना दिया. बट अगर लेस देन 30% है और लेस देन 10% है रिस्पेक्टिव में तो हमने इसको गो एरिया बना. ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है तो हमने उसको प्रोटेक्ट किया. आइडिया क्या है, आप वहां पे नहीं जाएंगे, यानी माइनिंग हम उसमें अलाउ नहीं करेंगे, इंडस्ट्रीज अलाउ नहीं करेंगे, ताकि एक सस्टेनेबल मैनर में कोल प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके, फॉरेस्ट एरिया में ज्यादा एक्सेप्शनल डैमेजेस ना हो. ठीक है, इससे क्या है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी मेंटेन रहेगा, वहां से जो बहुत सारे लॉसेस हैं वो भी अपने को देखने हैं. कोल से जो बेनिफिट हो रहा है सिर्फ उस पर फोकस करके नहीं दे सकते कि भाई हम आज के टाइम पे जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी में अब ग्रीन जीडीपी भी हमारा आ गया है, उससे जो नुकसान हो रहा है उसको अपने को मिनिमाइज करना है. नाउ देखो, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इलीगल माइनिंग. तो पहला तो यही है, टॉक्सिक वेस्ट जो आ रहा है. अब देखो ऑर्गेनाइज्ड है, इलीगल क्या है, इनफॉर्मल भी होगा, सरकार को पता नहीं होगा, तो उसका जो वेस्ट है वो भी ऐसे ही जा रहा होगा, रिवर्स में जा रहा होगा, कहीं भी जा रहा होगा. बट वी नो कि उसको फिर तो मॉनिटर भी नहीं किया जा सकता, अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर नहीं कर सकते. ठीक है, पहली चीज तो ये. सेकंड, इफ द माइनिंग साइट आसपास के जो वाटर बॉडीज हैं केमिकल्स वगैरह रिलीज करेगा, ठीक है, ऊपर ग्राउंड वाटर पे भी कर सकता है, नीचे भी कर सकता है, तो वो खत्म हो जाएंगे. जैसे मान लो कोस्टल एरिया में अगर कुछ हुआ तो वहां पे कोरल रीफ डिस्ट्रॉय, फर्टाइल लैंड जो है वो अफेक्ट हो जाती है. सो इट बिकम्स वेरी हार्ड एंड ड्राई केमिकल्स की वजह से आसपास देखा जाता है. रैट होल माइनिंग बहुत होती है मेघालय में, आपने सुना होगा. तो उससे क्या है कि चिल्ड्रन भी एम्प्लॉय होते हैं, तो ये भी उसके बहुत सारे नुकसान है कि एज अ ह्यूमन रिसोर्स हम अपनी पॉपुलेशन को भी लूज कर रहे हैं. तो ये रहेगा. टॉक्सिक वेस्ट को कई बार बॉयल कर दिया जाता है तो बर्निंग होती है, आसपास के लोगों में एयर पोल्यूशन होता है. या आपने सुना होगा कोल फील्ड वगैरह जो है वहां पे गैसेस मीथेन वगैरह आती रहती है तो वो जलती रहती है, अब सरकार उनको नहीं देख सकती. वहां पे एक नेक्सस भी बहुत बड़ा होता है, उसकी वजह से भी दिक्कत होती है. हैबिटेट ऑफ काउंटलेस एंड लैंड स्पीशीज जो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, ठीक है, तो स्पीशीज लॉस भी हमें बहुत सारा देखने को मिलता है. क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुमरेट द नेशनल वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया. पहले तो आप बताएंगे कि क्या इसके प्रोविजन है. टेकिंग रिवर गंगा एज एन एग्जाम्पल, डिस्कस द स्ट्रेटजीज विच मे बी अडोप्टेड फॉर रिवर वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. वट आर द लीगल कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ द हैजार्डस मेजर. ये एक सिंपल सा क्वेश्चन, पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, ठीक है, क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं और लीगल मैनेजमेंट और हैंडलिंग में क्या इश्यूज आपके हो सकते हैं. ठीक है, पहला तो है जैसे व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल रिवर वाटर पोल्यूशन. वैसे अपन इसमें डायरेक्टली आ गए हैं तो इसमें बस वैसे ही बता रखा है, लीगल प्रोविजंस के बारे में बात कर रखी है. हाँ, नेशनल वाटर पॉलिसी को आप एक बार देख लेना. इसमें क्या है कि एक तो प्रायोरिटी एरिया डिसाइड करने हैं कि पानी किस किस के पास जाएगा, फिर उनका रेट डिसाइड करना है किस रेट पे किसको मिलेगा, फिर जो डिस्पोज करना है आपको पानी को, अगर आप इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, सीवेज में यूज कर रहे हैं, कहाँ पे करना है, किस तरीके से करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी हमारे इसी में रहेंगे, नेशनल वाटर पॉलिसी में. ये बेसिकली क्या है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज और इनको भी थोड़ा सा देखता है.
एक्सेस ऑफ वाटर को इंक्रीज करने के लिए फोकस कर रहा है अफोर्डेबल वे में, ठीक है। नेक्स्ट जैसे देखो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, पहले तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, इंडिया में अभी 30-40% के आसपास ही है, इनको हमें इंक्रीज करने की आवश्यकता है, अप्रोक्सीमेटली 100% में लेके जाना है। स्वच्छ भारत मिशन के बाद काफी इंक्रीज हुए हैं सैनिटेशन में, बट सीवेज ट्रीटमेंट को और ज्यादा करना पड़ेगा। फिर जैसे हमारे जो भी एनवायरमेंटल लॉ है, आपने कानून तो बना दिए बट इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो जो इंडस्ट्रीज है वो उसको ढंग से फॉलो नहीं करते, दे जस्ट डिस्चार्ज, ठीक है। तो उनपे आप कंप्लायंस करें, उनको पेनल्टी लगाओ, क्लोज करो, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। जैसे नमामि गंगे, वहां पे भी काफी किया गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करे गए, इंडस्ट्रीज को काफी हद तक कंट्रोल किया गया। तो ये सारी की सारी चीजें हमें अगेन करने की आवश्यकता है। नाउ नेक्स्ट अगर अपन देखें, जनरेशन इन द बेसिन एरिया अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर, ठीक है। अवेयरनेस ज्यादा रहेगी क्योंकि वही पानी तो आप पी भी रहे हैं, ठीक है, तो वो उतना ही ज्यादा उसको अवेयरली बताएंगे भी, ठीक है, आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेंगे। लोकल बॉडीज जो हैं जिन्होंने अच्छे काम किए, तो इट इज लाइक रिवार्ड एंड पनिशमेंट थिंग, जिन्होंने अच्छा काम किया उनको रिवार्ड दो, जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया उनको पनिश करो, तो ये सारा का सारा अपना चलेगा। फिर रेगुलेटिंग जो प्लास्टिक आप यूज करते हैं, कई बार क्या है उससे चौक हो जाती है रिवर्स में, माइक्रो जो प्लास्टिक है वो भी हमारे बढ़ रहे हैं, तो इनको भी अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे आइडियल्स, फ्लावर्स, डेड बॉडीज, एशेज कई बार आपकी बाहर जाती हैं, तो उससे भी इकोलॉजी को काफी डैमेज होता है, ठीक है। तो इसको भी अपने को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो ये सारे के सारे रहेंगे, कुछ रूल्स देख लेते हैं, इनको डिटेल में तो नहीं देखेंगे, आप ये नाम मेंशन कर सकते हैं, इनके दो तीन प्रोविजन मेंशन कर सकते हैं। जैसे एनजीटी रूल्स, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो कि पेनल्टी वगैरह लगाता है, यमुना फ्लड प्लेन्स में आपका हुआ था एक प्रोग्राम हुआ था रविशंकर जी का, तो उनका कंटेक्स्ट में भी ये रहा था। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है उनके कंटेक्स्ट में भी रहेंगे, ई वेस्ट रूल है हमारे पास, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर एक्ट है, ऐसे ही एयर एक्ट है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है। तो ये सारे के सारे चीजें हेल्प कर रही हैं हमारे इस चीज को मेंटेन करने में, ठीक है। तो ये हमारे रहेंगे। तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21st में आपसे क्या कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग पजेस सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया कंट्रीज इकोनॉमिकल सॉवरेनिटी, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू टेक टू कंट्रोल दिस मेनेंस। देखो पहले तो अब हम तो क्योंकि क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस कर रहे हैं, आपको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पता होना चाहिए, कैसे होती है, कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बनाया जाता है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह मनी फिर रीइन्वेस्ट भी होती है, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये कैसे एक सिक्योरिटी थ्रेट है कंट्री के इकोनॉमिकल सॉवरेंटी के लिए, क्योंकि बाहर से मान लो काउंटरफिट करेंसी, ठीक है, या फिर ब्लैक मनी आपका आ रही है, मनी लॉन्डर हो रही है बाहर से, या फिर हमारी ही मनी दोबारा से राउंड ट्रिपिंग के थ्रू आ रही है, दीज ऑल थिंग्स हमारे क्योंकि वो पैसा कैलकुलेट नहीं होगा, व्हाइट पैसा नहीं होगा, तो वो कंट्री की इकोनॉमिकल सॉवरेंटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। नाउ इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए और क्या रिक्वायर्ड है। देखो स्टेप्स हमेशा, जैसे मान लो जो एरियाज हैं जहां जहां से भी ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उनको आइडेंटिफाई करें, उनको सॉल्व करें, ठीक है, या फिर इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन जो हमारे हैं उनको काफी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, उनके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको अपने को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उनको भी एक हिसाब से चीजें देखनी पड़ेंगी, और खासकर आजकल जैसे टेक्नोलॉजी के जमाने में और ज्यादा वो हो जाता है कि साइबर सिक्योरिटी और ये सब भी बहुत बड़ा इश्यू है, और उसी के हिसाब से सॉल्यूशंस रहेंगे। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ द सोर्स ऑफ द मनी व्हिच इज गेन थ्रू इलीजिटिमेट मीन्स, व्हिच इज गेन थ्रू इलीगल मीन्स क्राइम, तो इसको डर्टी मनी भी अपन बोलते हैं। ऑफन इट इज लॉन्डर्ड अपीयर एज क्लीन मनी और लेजिटिमेट मनी, जैसे मान लो ब्लैक मनी है, ठीक है, अब वो पैसा किसी छोटे छोटे से अकाउंट्स के थ्रू आपका बैंकिंग सिस्टम में आपने एंटर करवा दिया, तो वो क्या हो गया व्हाइट मनी, ठीक है, अब उनके थ्रू आप फिर से पैसा ले लोगे और फिर अपना लगा लोगे, ठीक है, या फिर किसी बाहर के देश की प्रॉपर्टी दिखा के उसको, या कंपनी बना के, शेल कंपनीज बना के, हमने वो पैसा उन शेल कंपनीज के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये बेसिकली चीजें होती हैं। यहाँ पे क्या है कि एक पैरेलल इकोनॉमी आपकी क्रिएट हो जाती है, वहां से वेल्थ भी काफी जनरेट होती है, बट वो इलीगल मीन्स पे, वो सारी की सारी किस पे डिपेंड है, ड्रग्स पे, ट्रैफिकिंग पे, टेररिज्म पे, तो वैसे तो वो चल रहा है बट उसमें पीस जो सोसाइटी का है, पॉलिटिकल वैल्यूज है, वो डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं, और यही जो मनी है ये फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए और क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि अब वो व्हाइट मनी बन गई है, अब वो आप किसी को भी ट्रांसफर कर दो और उसको अपना
ल्योर कर लो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए। तो ऐसे ये काम चलता है इंडिया में कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि बिजनेसेस, ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अप्रोप्रिएट रिस्क सेंसिटिव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ताकि वो प्रिवेंट कर सके ऐसी एक्टिविटीज को जिनसे कि मनी लॉन्डर हो रही है या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है। तो उसके प्रोसीजर और पॉलिसीज को भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए और सोल्व कर पाए। आइडेंटिफिकेशन, स्क्रूटिनी ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, मान लो एक अकाउंट से बहुत ही ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है तो अपने को पता रहे, ठीक है, या किसी एक आदमी, अब जैसे पैन जनधन अपन ने लिंक कर दिया, आधार और ये सब लिंक कर दिया, उससे फायदा क्या हो रहा है कि एक आदमी ने मान लो 100 अकाउंट खोल लिए, 100 अकाउंट में क्या क्या ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, किस किस को चल रहे हैं, सो इट बिकम्स इजी टू मॉनिटर। तो ऐसे ही प्रिवेंशन ऑफ द यूज ऑफ प्रोडक्ट्स फेवरिंग एनोनिमिटी, हमें पता रहे, फॉर्मल चीजों को हमें ज्यादा फोकस करना है, कैश में एनोनिमिटी होती है तो हमें चाहिए कि डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा रहे। कस्टमर को भी थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस दिखानी पड़ेगी कि ऐसे प्रोसीजर्स अपन डिजाइन करें टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द फर्म्स क्लाइंट एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके, बिजनेस रिलेशनशिप ट्रांजेक्शन को देखा जा सके। जैसे अभी अडानी केस में भी हो गया था कि उन्होंने खुद की मनी लॉन्डर करके भी लगा दी थी, एलिगेशन लगे, अब उस इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है, देखेंगे। बट पॉइंट इज आपको पता रहे कि कौन क्लाइंट हैं, कैसे हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है, फॉरेन कंट्री के साथ जो आप डील कर रहे हैं वहां के जो क्लाइंट्स हैं वो कैसे हैं, वो तो पैसा लॉन्डर नहीं कर रहे, ये सब रिकॉर्ड्स वगैरह आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने पड़ेंगे। एविडेंसेस जो हैं बिजनेस हाउसेस के, रिलेशनशिप्स के, वो आपको 5 साल तक मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। या फिर इसमें अपन बोल सकते हैं जैसे इंटर इन्वेस्टिगेशन, जो कोऑर्डिनेशन है एक दूसरे के साथ, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है, ठीक है, तो कि वो और ज्यादा कर सके, जैसे RBI है, IB है, ठीक है, रॉ है, ये आपस में भी हाँ कम्युनिकेट कर सकते हैं, NIA इनके थ्रू, तो ये सारा का सारा अपना रहेगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कंप्लायंस इंश्योर करनी है, बिजनेसेस अप्रोप्रिएटली मैनेज रहे, ताकि वी हैव टू इंश्योर सफिशिएंट सीनियर मैनेजमेंट की ओवरसाइट रहे, क्योंकि वही लोग ज्यादातर कई बार इन इश्यूज में इन्वॉल्व होते हैं। अप्रोप्रिएट एनालिसिस रहे, असेसमेंट ऑफ रिस्क रहे, ठीक है, जो रूल रेगुलेशन है, ऑनलाइन जो मॉनिटरिंग पॉसिबल हो सकती है उसको भी अपने को करना पड़ेगा, ठीक है, ये सारा का सारा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हाट आर द सोशल नेटवर्किंग साइट, अभी उस टाइम पे नई नई आई थी सारी की सारी, व्हाट आर द सिक्योरिटी इंप्लीकेशन, डू दीज साइट्स प्रेजेंट, पहले तो आप बता देंगे कि भाई लोगों को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, तो आप अलग अलग अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, सब कुछ शेयर कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट। एक तो आप अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं, एक अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, ये सारा का सारा रहेगा। बट व्हाट आर द सिक्योरिटी इंप्लीकेशन, देखो टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग पीपल। अब मान लो एक आदमी से 1000 आदमी कनेक्टेड है, तो अगर वो पॉजिटिव चीज में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो भी आपकी इंक्रीज होगी, बट अगर नेगेटिव चीज कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो एक सिक्योरिटी इंप्लीकेशन बन जाएगा। मान लो किसी को फेक न्यूज स्प्रेड करनी है, ठीक है, हेट स्पीच स्प्रेड करनी है, तो उसमें हो जाएगा, ठीक है। या फिर टेररिस्ट जो है कई बार देखे गए हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू भी रिक्रूटमेंट्स करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज के लिए लोगों को ल्योर करना है, अनएम्प्लॉयड यूथ है सोशल मीडिया साइट्स पे मान लो काफी एक्टिव रहता है, वो देखते रहते हैं, तो उनको वहां से लेके आके गलत काम करवाने हैं, तो वो सारा का सारा सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते हैं। कई बार जैसे आपने देखा होगा हनी ट्रैपिंग के केसेस आता है, मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं फेसबुक पे किसी से मिले, प्यार हो गया और ये सब वो सब, और इन्फॉर्मेशन ही उन्होंने एक्सचेंज कर दिया, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो पहले तो आप इसको डिफाइन कर देंगे वर्चुअल प्लेस, जहां पे इंटरनेट में बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू सोशल मीडिया पे यू कैन क्रिएट कम्युनिकेट विद द इंटरेस्टेड सोशल नेटवर्क, यू कैन शेयर आइडियाज, एक्टिविटी, इवेंट, वॉच, लिसन, म्यूजिक, प्ले गेम्स एंड ये सब। यहाँ पे आप एग्जाम्पल बता देंगे जो अपने ऊपर डिस्कस करें, तो इट इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे यूजर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं वर्चुअल स्पेस में, दे अपलोड वेरियस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैन बी रिलेटेड टू द नॉलेज, स्किल, ठीक है, ये अपनी हो सकती है, तो ये सारा का सारा रहेगा। नाउ व्हाट आर द सिक्योरिटी इंप्लीकेशन, देखें तो कई सारे स्कैम्स यहाँ से भी एनकरेज होते हैं, ठीक है, तो ये भी अपना रहेगा, जैसे हनी ट्रैपिंग और ये सब अपन ने देखा, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बिजनेस ग्रो करने के चक्कर में बहुत सारा पैसा लगा देते हैं, तो उनके वो भी लॉस हो जाता है, ठीक है, ये सब सारा चलता रहता है। ऑल्सो क्रिमिनल एक्टिविटीज हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि कोई ज्यादा रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे कौन अकाउंट क्रिएट करेगा, कैसे क्रिएट करेगा, उतना है नहीं। बट अब रिसेंटली क्या है कि मॉनिटरिंग काफी बढ़ रही है, और स्पेशली अब रिसेंट अगर अपन देखें सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस जो आपकी इस साल भी आई है 2022 की, तो वो भी आपका एक बिग स्टेप है, वो आपसे पूछा जा सकता है अभी रिसेंटली 23 के पेपर्स में। फिर
अगर मान लो नॉन जेन्युइन फेक अकाउंट्स वगैरह हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज, पॉलिटिकल ग्रुप, कम्युनलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, इन सब टेररिज्म, इन सब को भी प्रमोट किया जाता है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी आपका काफी शेयर होता है, ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी आपका रहता है, पर्सनल डाटा, मान लो आपका कोई भी डाटा है, आपकी इंफॉर्मेशन है, वो सारे की सारी इस पे है, उसको लीक कर दिया जाता है, ठीक है, ये सारा का सारा रहेगा। यूजर की रिलायबिलिटी भी श्योर नहीं है, किस पे ट्रस्ट करे किस पे ट्रस्ट ना करे, ठीक है, तो कई बार डेथ का भी रीजन हो जाता है, कई बार सुसाइड वगैरह भी यहाँ पे देखी जाती हैं, गेम्स वगैरह जो सोशल मीडिया पे आपने सुना होगा, ब्लू, आई थिंक ब्लू वेल ही एक गेम था, ठीक है, तो उसमें भी कई बार ऐसा देखा गया, लोग कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे को प्रोवोक करते हैं अलग अलग वो करने के लिए। टिकटॉक देख लो, टिकटॉक जनरेशन उनकी जो अपन बात करते हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में यूथ इन्वॉल्व है, बट हाँ फिर उसी को देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट पे ज्यादा फोकस है रेदर देन डूइंग सम प्रोडक्ट वर्क, तो वो भी इशू हो जाता है। तो यहाँ पे अपने को रेस्ट्रिक्शंस लगाना और ये सब तो रहेगा, अभी की जो गाइडलाइंस है उनको आप जरूर देखेंगे और उसी से लिंक करेंगे आगे का टॉपिक, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, साइबर वारफेयर तो जो है इट इज कंसिडर्ड बाय सम डिफेंस एनालिसिस्ट टू बी लार्ज थ्रेट देन इवन अलकायदा एंड टेररिज्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइबर वारफेयर, आउटलाइन द थ्रेट्स व्हिच इंडिया इज वल्नरेबल एंड ब्रिंग आउट द स्टेट्स प्रिपेयर्डनेस टू डील विद द सेम। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डिफाइन करो, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या थ्रेट्स हम फेस कर रहे हैं, कैसे हम इसको सेफली डील करने के लिए रेडी हैं या नहीं, भी इस बारे में बात करनी है। देखो वारफेयर के अलग अलग होते हैं, जैसे मान लो फिजिकल वारफेयर होता है, आप गए लड़े, ठीक है, टेररिज्म में जनरली यही रहता है। अब मान लो साइबर में क्या है कि आपका इंटरनेट से आजकल सारी चीजें लिंक हो गई, मान लो हॉस्पिटल लिंक है, एम्स का भी रिसेंट एग्जाम्पल देख ली, दैट वॉज अ साइबर वारफेयर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, वहां का सारा डाटा अपन ने ले लिया, अब उस डाटा को रिलीज करने के लिए आपने रैंसम अमाउंट जो है वो बोल दी, ठीक है, या फिर मान लो आपका कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी है, मिलिट्री फैसिलिटी है, आपकी वेबसाइट को हैक कर लिया गया, आपकी मिसाइल्स को कंट्रोल कर लिया गया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डैमेज कर दिया गया, तो ये होता है साइबर वेरफेयर। अब जो दुश्मन है वो यहाँ पे नहीं है, वो कहीं भी बैठा है बट कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, तो ये साइबर वेर, तो इसकी बहुत ज्यादा नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे सारे की सारी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, सब कुछ आपका लिंक हो चुका है, तो साइबर सिक्योरिटी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इंडिया काफी वल्नरेबल है, थर्ड लार्जेस्ट हम मानते हैं, टॉप लिस्ट में आता है साइबर इंडेक्स में, रिस्क इंडेक्स में, ठीक है, तो वो भी है, एंड काफी अटैक्स भी आपने सुने होंगे रिसेंटली, चाइना जो काफी अटैक करता रहता है साइबर, उससे इकोनॉमी को भी काफी नुकसान होता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई बिजनेस है, उसमें कोई अकाउंट है, आपका अकाउंट ही हैक कर लिया, आपके सारे के सारे पैसे, मनी जो है उसको ट्रांसफर कर दिया गया, तो वो एक बहुत बड़े रिस्क बन जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स है, मान लो वहां पे कोई डिस्टर्बेंस कर दिया, फेलियर कर दिया, अब वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड क्या है हमारे आपके मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस, सर्विस हाउसेस, तो वहां पे नुकसान आपको काफी देखने को मिलेगा। कंट्री, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट है कि कंट्री की प्रिपेयरनेस के बारे में बात करना है, यानी आप उसमें बात करेंगे क्या लेजिस्लेशन है, क्या इंस्टीट्यूशन है, क्या इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, और क्या अपन ने इसको सोल्व करने के कोई एप्लीकेशन है, क्या अवेयरनेस अपनी कितनी कर पा रहे हैं, ये सब, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट इज साइबर वारफेयर, इट इज अ पॉलिटिकल मोटिव हैकिंग टू कंडक्ट सेबोटेज एप्शनेज योर इन्फॉर्मेशन, फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन वारफेयर, इट इज सीन एज एनालॉगस टू कन्वेंशनल वारफेयर, क्योंकि बेसिकली क्या होता है वारफेयर में, तो होता है कि आपके सामने वाला को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, इसमें क्या आता है हैकिंग, आपका अनऑथराइज, ठीक है, फैशन ऑफ स्टीलिंग, आपका डाटा जो है उसको स्टील कर लिया, आपके इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से यूज कर लिया, पोर्नोग्राफी देख लो, फिशिंग, ठीक है, इजिएस्ट टू एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे भी जैसे फेक ईमेल्स भेज दिए, टेक्स्ट मैसेज भेज दिए, वेबसाइट्स बना ली जो ऑथेंटिक लगे, वहां पे लोग आएंगे ट्रांजेक्शन करेंगे बट उनको कोई प्रोडक्ट सर्विस नहीं मिली, तो वो गलत हो जाता है। डिजिटल डाटा थ्रेट की फॉर्म में कैसे रहेगा, जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से बहुत सारा डाटा आपका माइन किया जाता है, मान लो आपने क्रेडिट कार्ड वगैरह किया, आज के टाइम पे जैसे कार्ड टोकनाइजेशन की हम बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डाटा को कैसे सेव किया जा सकता है, आपने तो जनधन डाटा लीकेजेस की भी न्यूज सुनी होंगी, तो ये सारे सारे हमारे डाटा को एक्सपोज कर देते हैं और बिजनेस को, कस्टमर इंफॉर्मेशन को, ठीक है, प्रोडक्ट सर्वे जो रिजल्ट है उनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं गलत तरीके से, ठीक है, जैसे जेनरिक मार्केट की जो इन्फॉर्मेशन है उससे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर सकते हो, ठीक है, ये सारा का सारा हो सकता है। सप्लाई चेन इंटरकनेक्शन वगैरह, जैसे कंपनीज हैं, वेंडर्स हैं, कस्टमर है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, मान लो मेरे 10 कस्टमर है, ठीक है, तो वो जो 10 कस्टमर है उनका डाटा सारा का सारा किसी दूसरे ने ले लिया,
अब वो कस्टमर के पास अप्रोच कर लेगा और मुझे कस्टमर लूज करने पड़ जाएंगे ये सब। अब हमारी जो मेन आपकी प्रिपेयरनेस है वो क्या, देखो हमारे पहले देखो क्या कोई मिनिस्ट्री है क्या, MeitY है हमारे पास, डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसने एक क्रिएट किया सर्टेन, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, या फिर NCIPP है आपका, जैसे नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जैसे कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट, इनको क्रिटिकल सेक्टर्स बोला जाता है, बैंकिंग टेलीकॉम डिफेंस स्पेस, इनकी जो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास सेपरेट सेक्टर आपका है, आइसोलेशन ऑफ वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज, उनका अपना एक अलग हमने नेटवर्क बना रखा है, उनको अपन कॉमन नेटवर्क से लिंक नहीं करते, इंटरनेट से लिंक नहीं करते, ठीक है, वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए अलग चीजें यूज करी जाती है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हमारे पास है, ठीक है, ये सब रहेगा हमारे पास, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी आपके पास है 2013 आई थिंक, तो आप इन सब चीजों को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आर्टिकल 244 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड द ट्राइबल एरिया, ओके, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल ऑन द ग्रोथ ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। पहले तो मैं एक बार इसको लिंक करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे है। देखो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में हमने चीजों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी ट्राइबल ऑटोनॉमी को, उनका लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव या फिर जो जुडिशियल, उनको ज्यादा से ज्यादा हमने अथॉरिटी दी ताकि वो अच्छे से उसमें कर पाए, बट द पॉइंट इज आपने उतने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया। उससे क्या है कि बाहर वाले फॉरेन एक्टर्स वहां पे आ रहे हैं, उनकी लैंड एक्वायर कर रहे हैं, बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, उनका ट्रस्ट जो है वो खत्म कर रहे हैं, ट्राइबल्स एरिया में इंडस्ट्रीज आपकी बन रही है, ट्राइबल्स को डिस्प्लेस डिस्प्लेस किया जा रहा है, आज तक जितने टोटल लोग डिस्प्लेस हुए हैं 40% ऑफ देम आर ट्राइबल बट दे कॉन्स्टिट्यूट ओनली 8% ऑफ अवर इंडियन पॉपुलेशन, तो ये सारा का सारा रहेगा। अब इससे होगा क्या, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरिया देखो तो उनके लिए उनके रिसोर्सेज ही एक वो बन गए हैं, वन सेकेंड, रिसोर्सेज एक कर्ज बन गए कि वहां पे कोल है नेचुरल गैस है, ठीक है, माइनिंग हो रही है, तो उनको नहीं मिलता कुछ क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज है नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं अपना सेटअप करती हैं, तो उससे क्या है कि आप मान लो आपकी आपको आपकी लैंड से हटा दिया जाए, घर छीन लिया जाए, आपको रिहेबिलिटेट नहीं किया गया, तो आपको फिर खुद तो दुख होगा ही, आप भी चाहेंगे सरकार के अगेंस्ट काम करें, ठीक है, और ऑल्सो फिर वहां पे आपको इजिली रेडिकलाइज भी किया जा सकता है, इसीलिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आपका ग्रो भी हुआ अगर आप इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे तो ये इसलिए सारा का सारा लिंक्ड है। मान लो अगर आप शेड्यूल एरियाज फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा, उनको सारी पावर्स दी, इंडस्ट्रीज को ग्रो कराया उनके हिसाब से, ऑटोनॉमी दी, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोटेक्ट किया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छी हमने बनाई, ठीक है, तो ये सारा का सारा अगर अपन करें तो आप उनको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, तो इसलिए अपन ने बनाया था। जैसे फिफ्थ शेड्यूल आर्टिकल 244 ये कहता है इट प्रोवाइड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड द ट्राइबल एरिया, 10 स्टेट्स में आपके ये है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, सिक्स शेड्यूल में और ज्यादा प्रोटेक्शन है, एरियाज एंड द ट्राइब्स नीड स्पेशल प्रोटेक्शन ड्यू टू डिसएडवांटेजेस पोजीशन, क्योंकि ट्राइब जो है उनकी अपनी यूनिक कल्चर है, उनका सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है, पॉलिटिकल सिस्टम भी अपने हिसाब से है, तो वो मेंटेन करके रखोगे तो दे आर हैप्पी, ठीक है, उन्हें ज्यादा इंटीग्रेट वो नहीं होने की आवश्यकता या उनका मन भी नहीं है, बट आप जबरदस्ती करते हैं तो दिक्कत होते हैं। यहाँ पे देखो गवर्नर जो है उनको हमने कस्टोडियन बना दिया है ट्राइबल राइट्स का एंड मैंडेटेड टू ओवरसी कि भाई गवर्नेंस अच्छी चल रही है क्या, डेवलपमेंट अच्छी चल रही है क्या, पीस ट्रैंक्वालिटी मेंटेन है क्या, उनकी कस्टमरी लॉ जो है वो मेंटेन है क्या, जैसे एक सवाल 371A को लेके भी आया हुआ था यूपीएससी मेंस में, तो वो भी अपना रहेगा, तो ये सारा का सारा अपने को मेंटेन करके रखना है। इनको असिस्ट किया जाता है गवर्नर को बाय द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इन शेड्यूल 5, उनको एनुअल रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं कि ट्राइबल के कंटेक्स में, वो आपकी जाती है प्रेसिडेंट के पास कि भाई कितना काम हुआ, क्या काम हुआ, कितना डेवलपमेंट हो पाया, ठीक है, तो वो सारा का सारा। नाउ प्रेसिडेंट जो है वो इस पर्टिकुलर इशू को लेके स्टेट्स को कुछ डायरेक्शंस भी दे सकता है अगर कुछ चाहिए तो, जैसे कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर मिनरल जो है उनको ट्राइबल पीपल के द्वारा ही एक्सप्लॉइट किया जाएगा, उन्हीं की लैंड पे रखा जाएगा, दे शुड नॉट बी एलियनेटेड फ्रॉम देयर लैंड, ठीक है, इनकी लैंड जो है नॉन ट्राइबल्स को आप नहीं दोगे विदाउट गवर्नर अप्रूवल, ताकि सेफ किया जा सके, लैंड तो चाहिए चाहिए, मनी लैंडिंग को रेगुलेट करना पड़ेगा, कई बार क्या होता है इनको मनी लैंड कर दी जाती है फिर इनकी लैंड एक्वायर हम कर लेते हैं तो ये भी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, जैसे डिकूज का केस था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। आर्टिकल 275 पार्लियामेंट ऑल्सो मेकिंग स्पेशल ग्रांट इन एड्स टू द स्टेट्स, यहाँ पे जैसे वेलफेयर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन फिफ्थ एरिया के लिए किया जा रहा है, या फिर आप देख लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर भी हमारी मोटा भाई, ठीक है, तो ये भी आपका रहेगा।
बट एट द सेम टाइम हमने इसको काफी इग्नोर भी किया है, डेड लेटर था हो गया है। जैसे कमिश्नर जो है ठीक है वो कुछ ज्यादा काम कर ही नहीं रहे, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उनके पास ऑटोनोमी नहीं है, ऑटोनोमी नहीं होगी तो आप काम कैसे करोगे। गवर्नर जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं, उनका लोगों से कोई लेना देना नहीं है ठीक है। क्रोनी कैपिटलिज्म, अब ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस जो कैपिटलिज्म के साथ है तो कौन सोच रहा है ट्राइबल्स की ठीक है, तो उनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी है उन पे भी कैपिटलिस्ट अपना अधिकार जमा लेते हैं। गवर्नर की जो रिपोर्ट्स हैं ठीक है दे आर पिटफुल, सेल्डम कभी कभी होती हैं ठीक है, पार्लियामेंट में ज्यादा कुछ डिस्कशन इनके बारे में होता ही नहीं है। कुछ ही गवर्नर हैं जो कि कुछ अवेयर दिखते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, उनके पास भी कोई स्टाफ नहीं होता डिस्चार्ज करने के लिए ड्यूटीज को, तो ये सारे इश्यूज हैं। और उसी को अब आप लिंक करोगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से कि अवर पीपल आर एलियनेटेड सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली, आपने उनको एक्सप्लॉइट कर लिया है, एलियनेटेड कर दिया, व्हाट विल दे डू, दे विल टेक गन्स इन देयर हैंड बिकॉज दैट इज एन इजी वे आउट। आप वहां पे डेवलपमेंट करो ठीक है, हेल्थ दो, एजुकेशन दो, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करो, उनको उनके हिसाब से भी रहने दो, उनको एज अ ऑप्शन दो कि भाई ये भी ऑप्शन है ये भी ऑप्शन, नॉट लाइक कि थोपा जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, देखिए हाउ फार आर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, दे आर लिंक्ड विद द बॉर्डर मैनेजमेंट पर्टिकुलरली इन द व्यू ऑफ द लॉन्ग पोरस बॉर्डर विद मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ साउथ एशिया एंड द म्यांमार। देखो बॉर्डर अगर पोरस है, एक तो पोरस क्यों है, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, हिली टेरेन्स हैं, रिवर्स हैं ठीक है, तो कंट्रोल करना या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जैसे कि अपने LOC पे कर रखी वो पॉसिबल नहीं है ठीक है। तो ये पोरस बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, पीपल आएंगे, आर्म्स आएंगे, ड्रग्स आएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगा, तो इस वजह से हमारे लिए बहुत बड़ा इशू बन जाता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से लिंक कर लो, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से लिंक कर लो, अभी भी चल ही रहे हैं, तो ये सारा का सारा प्रोसेस इस तरीके से काम करता है। बाहर से लोग सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है, रिसोर्सेज पहुंचा रहे हैं, माइग्रेशन आप देख लो, क्लाइमेट रिफ्यूजीज ठीक है, या म्यांमार से जहाँ पे रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं वो माइग्रेट होकर आ जाते हैं, तो वो हमें फिर चैलेंज करते हैं, आपके पॉपुलेशन भी बढ़ गई। एक तो सिक्योरिटी चैलेंज वैसे ही हो गया, इकोनॉमिकल चैलेंज हो गया, हमारे बिजनेसेस को वो इफेक्ट कर रहे हैं, खुद के बिजनेसेस ग्रो कर लेंगे, या फिर पॉलिटिकल भी, उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह भी यूज किया जाता है ठीक है। तो ये सारे के सारे इश्यूज हैं कि कैसे वो हमारे लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज की तरह काम कर रहे हैं। तो एक मोटा मोटा मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको बता दिया है, इस हिसाब से देखेंगे ठीक है। नाउ देखिए इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ज्योग्राफी, बर्गनिंग पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है आ रही है, शार्प सोशल इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज, कॉम्प्लेक्स सोशो कल्चरल एथनिक रिलीजियस ट्रेडिशन, हॉस्टाइल सस्पिशियस नेबर्स, दे इंटरफेयर इन अवर सेकुलर डेमोक्रेसी ठीक है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, देख लेना, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नाउ इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी इट इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद बॉर्डर मैनेजमेंट, क्यों, क्योंकि अंदर तो अपन कर ही रहे हैं, बॉर्डर से जो एरिया जैसे अपन ने देखा तो वो रहेगा। इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद द 7 कंट्रीज लैंड बॉर्डर, तो यहाँ से पहला क्या हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन यस, इलीगल इमिग्रेशन यस, ट्रैफिकिंग स्मगलिंग ठीक है, ड्रग्स आ रही हैं जैसे बांग्लादेश बॉर्डर से, ये है इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, ये सिक्योरिटी कंसर्न है। इंडिया की मैरिटाइम बॉर्डर भी देखें तो वहां से अपना मुंबई अटैक हुआ तो वो एक आप बता सकते हैं, फॉरेन बॉर्डर है वहां से भी आ गए, हम नहीं मॉनिटर कर पाए ठीक है। नेक्स्ट इंडिया के ओपन बॉर्डर है नेपाल से ठीक है, तो वहां से भी कई बार टेररिस्ट आते हैं तो ये इशू हो जाता है। वीक और पोरस बॉर्डर है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर उतना रोबस्ट है नहीं ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की जो हम बात करते हैं वो सिर्फ LOC पे है, LAC पे नहीं है, चाइना के साथ भी अपना इशू है, पाकिस्तान के साथ भी ट्रबलसम है सिंस इंडिपेंडेंस, टेररिज्म होता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसे कश्मीर वैली में भी अपने को देखने को मिलता है, पैसा भी वहां से आता है, काउंटरफिट करेंसी भी वहां से आती है ठीक है। ऑल्सो अगर आप देखेंगे ड्रग ट्राइंगल ड्रग क्रिसेंट के बीच में इंडिया है तो ड्रग प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ती है, हमारा यूथ डैमेज हो रहा है, इकोनॉमी डैमेज हो रही है, इसीलिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी इशू है। अरुणाचल में देख लो, म्यांमार के कंटेक्स्ट में बस थोड़ा सा बता सकते हैं, एथनिक क्लासेस और ये सब वहां से रोहिंग्या इश्यूज आए, अब हमारी पॉपुलेशन के लिए चैलेंजेस हो जाते हैं, रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करते हैं, सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटी वोट बैंक पॉलिटिक्स अपन ने देखा, यहाँ पे आके बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे तो हमारे जो खुद के लोग हैं उनको ही एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, ये लोग आके जॉब्स ले लेंगे, कम पैसे में काम करेंगे, तो हमारे लिए और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उनको मैनेज करना ठीक है। तो ये है, ये सारा का सारा डिस्कशन है, तो दैट्स इट यू कैन डू, और इसको मैनेज करना चाहिए तभी हम एक पीसफुल तरीके से रह पाएंगे ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस पेपर डिस्कशन, नेक्स्ट विल बी 2014, वो आपका कल अपलोड हो जाएगा। थैंक यू एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड जो UPSC के प्रिपेयर कर रहे हैं एंड ऑल्सो स्टेट PCS स्पेशली UP एंड आपका हरियाणा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन stay fit, stay healthy, goodbye, Jai Hind.